पीआर क्या है और क्या इंपॉर्टेंस है आज के टाइम पे पीआर का मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो जैसे हम लोग पॉलिटिकल लोगों को देखते हैं काफी लोग क्या बोल है? रहे हैं उनकी पीआर टीम टी बताते आपको ये, बोलना था, आपको ये चीज़ कि ये चीज वायरल जाएगी आप अगर ना गाय को खाना खिला रहे हो ये एंगल मीडिया वालों को अच्छा अच्छा लग रहा है कि तो आपको टीवी पर अच्छा आप तो खाना खिलाते हो गाय को आज ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने एक एक करोड़ रुपए पीआर में लगा लगा के फेमस हो गए हर पार्टी से वो लोग दिखते हैं सेलिब्रिटीज़ सेलिब्रिटी है भी नहीं ऐसे लोगों के नाम समझो आप वो सेलिब्रिटी भी नहीं है वो आपको हर जगह दिख रहा है स्त्री मूवी के बारे में चल रहा है उसका ऐसा बोला जा रहा है कि श्रद्धा कपूर पूरा क्रेडिट ले रही है ये वो ऐसा एक्चुअली में काफी लोग बोलते हैं उर्फी जावेद के बारे में कि वो लोग उन लोगों ने बहुत प्यार करी करी बट मैं ये बोल रहा हूँ गलत क्या है आज कर करके वो स्टार तो बन गए मिडिल क्लास लोग का सपना होता ना कि न्यूज़पेपर में फोटो आया है न्यूज़पेपर में नाम आया है नॉर्मल इंसान के दिमाग में ही चलता होगा अपने आप मेहनत से आ जाता होगा नाम अपने आप बट बाद में मुझे रियलाइज हैं फॉर्ब्स में आने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं अब उसके पीछे कहानी क्या ये सब होता है कैसे इतना सच है और किस लेवल होता है सच है ना कि कई सारे लोग सिर्फ ऐसे एयरपोर्ट पे फोटो खिंचाना जाते हैं

कैसे एक बॉलीवुड बड़ी बड़ी मूवीज कई सारे लोग पी का यूज़ करते हैं अपना नाम बनाने के लिए और एक बार उनका नाम बन जाता है तो फिर उससे वो कई सारे पैसे भी कमाते हैं क्या आपको भी अपनी लाइफ में पी कराना चाहिए कॉन्टेंट क्रिएटर्स को पी कराना चाहिए उसके लिए कितने पैसे लगते हैं कितना खर्चा होता है नेगेटिव पी मतलब बजान के नेगेटिव बातें फैलाई जाती है अपने बारे में ताकि उनका नाम हो सके कैसे पॉडकास्ट वन ऑफ द बेस्ट तरीका है आज के टाइम पे पीआर करने का क्यों ये बेस्ट तरीका है कितना लोग इसके पीछे पैसे दे रहे हैं ताकि उनका ब्रांड बन सके इसके बारे में बातें प्लस ब्रांडिंग और मार्केटिंग के बीच का डिफरेंस क्या होता है ऐसी और भी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें आज के इस पॉडकास्ट में आपको सीखने मिलेगी इसीलिए गाइज वेलकम बैक टू जिशांस पॉडकास्ट आज हमारे साथ हैं एक यंग बहुत ही एम्बिशियस लेकिन स्मार्ट इंसान जिनका नाम है मेहुल पुरोहित जो पिछले चार सालों से पी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं कई सारे बड़े बड़े लोग जिनके नाम आपने सुने होंगे उनके लिए काम करते हैं पॉलिटिशियंस के लिए काम कर चुके हैं बिजनेस ओनर्स के लिए कई बड़े बड़े क्रिएटर्स के लिए इन्होंने काम किया है इनकी खुद की पीआर एजेंसी है यही बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करता है पीआर क्या होता है कैसे काम करता है इसके बारे में डिटेल आप बोल सकते हो मास्टर क्लास है आज का ये पॉडकास्ट जो आपको जरूर देखना चाहिए जरूर सीखना चाहिए अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी खुद को या अपनी कंपनी को एक ब्रांड बनाना चाहते हो तो नाउ लेट स्टार्ट तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये यार बहुत सारे लोगों को जैसे कि हम पॉडकास्ट से पहले बात भी कर रहे थे नाइन्टी से ज्यादा परसेंट लोगों को पता ही नहीं पी आर होता क्या है तो वो एक्सप्लेन करना चाहोगे आपकी पीआर क्या है और उसकी क्यों क्या इंपॉर्टेंस है आज के टाइम पे ओके okay, सो so जी साह मैं आपने बहुत बेस्ट क्वेश्चन किया ये वन ऑफ दी पॉडकास्ट का अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैं ये बोला हूँ देखो पी आर मींस है क्या बेटा इसको पूरा समझना जरूरी है हम लोगों को पी आर मींस लोग ये समझ लेते हैं प्रेस रिलीज मार्केटिंग पब्लिक रिलेशन मार्केटिंग ठीक है आपका कोई न्यूज़ आर्टिकल्स आप लोगों ने करवाई है उसको पी आर के लोग समझते हैं कोई कोई लगता है पेप पैप्स है ना एयरपोर्ट पर जाके वीडियोज बनाते हैं सर्वीड उसको पी आर कहता है पी आर इसको नहीं कहते पी आर मीन्स प्रॉपर एवर पे कि कोई ब्रांड या ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल उसकी पब्लिक इमेज को अच्छा करना उसको पीआर कहता है ओके okay. उसकी पब्लिक इमेज को अच्छा करना तो ऐसे नहीं कि उसकी कोई इमेज नेगेटिव है नेगेटिव है तो उसको हम लोगों ने अच्छा कर दिया मींस लाइक like कि उसकी जो इमेज है उसको और अच्छे लेवल पे उसको नर्चर करना उसको पूरा अच्छे से आइडेंटिफाई करना इमेज को और बेटर करना अच्छे लेवल पे मार्केटिंग करना उसको पीआर कहते हैं हम ऐसा डिस्कस करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स भी कैसे पीआर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको रेलेवेंट रहना है इंडस्ट्री में तो कहीं पे भी मतलब लोग अगर आपके बारे में बातें करें तो आपको पीआर करवाना पड़ता है जिसके मतलब कंटेंट क्रिएटर्स बहुत कम करवाते हैं बिजनेस ओनर्स भी आई थिंक बहुत कम लोगों को पता है बहुत कम लोग ही कराते हैं क्यों कराना इंपॉर्टेंट है, है लोगों को पी कराना आज के तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो आपको अगर मार्केट में बना हुआ रहना है तो उसके लिए पीआर करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे पीआर का मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो जैसे हम लोग पॉलिटिकल लोगों को देखते हैं काफ़ी लोग कि उनकी टीम उनके क्या उनको बोलना है वो भी पहले से ही बना हुआ होता है कहाँ उनको जाना है वो भी पहले से सब पता होता है ये स्केड्यूल नहीं कहते इसको कहते हैं पी क्या बोलना है उनकी पी टीम टी बताती आपको ये बोलना था ये चीज़ वायरल जाएगी ओके okay. अगर आप ऐसे करोगे तो न्यूज़ में ये अच्छा जाएगा ये एंगल अच्छा आएगा ऐसे साइड से बोलो आप एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप अगर है ना गाय को खाना खिला रहे हो ये एंगल मीडिया वालों को अच्छा अच्छा लग रहा है कि तो आपको टीवी वी पर अच्छा कि वो आप तो खाना खिलाते हो गायक को तो हर छोटी छोटी चीज़ें पीआर मैटर करती है राइट नाउ लाइक मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं कंटेंट क्रिएटर्स इतने सारे सबको मैं ये उनको भी ये बोलता हूँ कि यार पी करना ज़रूरी है क्या वो पूछते हैं मैं बोलो यार है ना आपको ना जरूरी क्या बताओ मैं उनको खुद बताऊ तो जरूरी है कि देखो आज आप जिस फील्ड में मीडिया में जिस डिशन में आप भी मीडिया में हो जो बंदा मीडिया के अंदर है सोशल मीडिया के अंदर जो कंटेंट क्रिएट जो ग्लैमर वर्ड उसको पीआर तो ज़रूरी है अगर आप नहीं, तो हम हमारे बारे में लोगों को पता रहे क्योंकि अभी जैसे कि मैं भी पॉडकास्ट करता हूँ और बहुत से लोग कमेंट में लिखते हैं उन लोगों को पता भी नहीं कि मेरा सीके नाम का भी चैनल है बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे तो मुझे लगता है यार ये सब टाइम पे पीआर की जरूरत अगर पीआर रहता लोगों को तो पता रहता है एग्जैक्टली मैं हू कौन कई बार लोगों को पता ही नहीं रहता कि मैं हूँ कौन क्योंकि आज आप कुछ भी कर रहे हो आज ये, चीज़ है, ये चीज़ हर बंदे, बंदे के साथ रणवीर भाई का लोगों को भाई से पहले बहुत पता था मैं मेरा एग्जाम्पल लेता हूँ मुझे जब फर्स्ट टाइम मुझे पता चला था कि ना रणवीर भाई का कुछ ऐसा यार नहीं जानता इनको नहीं जानते वो मैं कहा अच्छा बीर बाइस क्या मैं रणवीर नाम नहीं जानता बहुत ऐसी चीज़ है कि लोग ना एक दूसरे वो चीज़ें नहीं जानते अगर क्यों जानना जरूरी है तुमको लगता है जानना इसलिए ज़रूरी है हर चीज़ पता होनी जरूरी है आपके टाइम पे आज अगर आप है ना आज जिस इंडस्ट्री में आप हो उसका आपको पूरा फिल्टर लोगों को पता होना जरूरी है जब उसको बाद में किसी थ्रू पता चलता तो उसको लगता है ये क्या मुझे तो इन्फॉर्मेशन पता नहीं थी तो पी के थ्रू ये चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है पी करनी जरूरी है अब आप बोलोगे कि पी होती क्या एग्जैक्ट क्या करना चाहिए पी आर ये नहीं कहते कि आपने सीधा फंड्स लगाइए बट मेरा एक चीज है मैं हर बंदे को बोलता हूँ कि वॉट इज द बेस्ट टाइम कि आप कब पीआर आर चालू करो आपका शायद क्वेश्चन भी हो सकता कब करना मैं है question, right? मैं, मैं ये चीज बोलूंगा उनको कि इस बात को कोई अदर वे आई डोंट नो मिनिमम जब आपके पास एक अच्छा बजट हो आप अपनी सारी नीड्स पूरी कर रहे हो फिर आपको लग रहा है यार एक बजट है ठीक है मैं इसको अच्छे से एक्सपेंड 1 टू 2 लाख कर सकता हूं इफ मेरे पास इतना है मैं एक महीने का तब आप पीआर आर कराओ अगर मिनिमम आपके हाथ में एक लाख रुप नहीं है तो आप पी नहीं कर सकते क्योंकि देखो ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जो नाइनटी एट परसेंट अनऑर्गेनाइजड है पी लोगों को नहीं पता और लोगों नहीं कि को समझाने के आपको थोड़ा खर्च करना पड़ेगा पैसा आज ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने एक एक करोड़ रुपए पी में लगा लगा के फेमस हो गए आई थिंक आप लोग देख ही रहे होंगे अभी ऐसे एक दो लोग हैं जो अभी बहुत पैसा लगा रहे अपना हर पार्टी से वो लोग दिखते हैं काफी लोग बोलते हैं उर्फी जावेद के बारे में बहुत प्यार करी करी बट मैं ये बोल रहा हूँ गलत क्या है आज कर करके वो स्टार तो बन गई सब जान लोग कमेंट करे उनका नहीं जानता अच्छा अभी आजकल हम देख रहे हैं आ, स्त्री स्त्री मूवी के बारे में भी चल रहा है ऐसा बोला जा रहा है कि श्रद्धा कपूर पूरा क्रेडिट ले रही हैं ये वो पता नहीं क्या ऐसा ऐसा, ऐसा चल मैं देख रहा हूँ न्यूज़ आर्टिकल ऐसा दिखता रहता तो कभी कभी तो आप ऐसा ऐसा एक्चुअली में <laughs> <हा>? <laughs> क्या बोलूँ मैं हमने मुझे ये देखो ये एक्चुअली में क्या एक बहुत बड़ी इंडिया में एक चीज़ चल रही है कि किसकी पी आर टी स्ट्रांग है और आज ये वो है कि जो दिखेगा वो बिकेगा हर बंदा देखो एक कहावत है कि अगर कोई अच्छी चीज़ चलो तो हर बंदा अपने हाथ डाल लेता है

मैं हमारी खुद की प्यार कमनी है तो मैं एज ए मैं किसी चीज़ से बट मैं ये बोलूँगा क्रेडिट सबको मिलना चाहिए जैसे भी काम किया है आज शानदार मूवी बहुत प्यारा काम किया राजकुमार राव की एक्टिंग पंकज त्रिपाठी की हो चाहे आपा शक्ति की हो या अभिमुख चतर्जी की हो किसी की भी हो बट सब लोगों ने अपना बेस्ट दिया श्रद्धा कपूर ने बेस्ट दिया बस वही है कौन क्रेडिट लेके जाता है कि जो क्रेडिट वाले बात चल रहा है आज तो पॉडकास्ट में भी यही बात चल रही है पूरा इंडिया क्रेडिट वाली बात करें क्रेडिट कौन लेके चला गया बट वही है देखो

मिडिल क्लास लोगों का सपना होता ना कि न्यूज़पेपर में फ़ोटो आया है न्यूज़ पेपर में नाम आया है तो मेरे दिमाग में एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में ही चलता होगा कि अपने आप मेहनत से आ जाता होगा नाम अपने आप बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ जब मैं पी आर लोग वाले से मिला तो मुझे पता चला कि सब पेड होता है आर्टिकल्स पेड होते हैं फॉब्स में आने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं

बाकी ये बस फैक्ट है आज इंडिया में एक कहावत है सब बिकता है हर चीज़ की कीमत है आप पैसा दो आपको हर चीज़ मिलेगी ये जो है वो सही है आज आप कुछ जो चीज़ का आप हाथ अगर आप पैसा है ना तो सब चीज़ हो जाएगी बेस्ट आपका हो जाएगा आज जो न्यूज़ आर्टिकल आज मैं कह रहा हूँ अगर एक बंदे के पास दस हज़ार रुपये है ना वो भी न्यूज़ में आ सकता है पैसा फेंको तमाशा फेंको बट मेरा ये है कि मेरे मेरे ये मानना है आज हमारे जितने भी क्लाइंटल्स हैं जितने भी आज अगर कोई मेरे से पी कराना भी चाहता है हमारी कंपनी तो हम उनको सजेशन है तेरे ते तो तेर से पांच महीने रुको छह महीने रुको ये नहीं कि मैं उनको वेटिंग दे रहा हूँ या को ऐसा नहीं, कोई ऐसा नेचर में ईगो है मीन एक सही टाइम आज आपने करवा ली एक पता चला आज मैं एक नाम ले लूंगा बहुत बड़ा चाय का ब्रांड था किसका चाय का ब्रांड चाय का ब्रांड हाँ हाँ उस बंदे ने अपनी इतनी पीआर करी इतनी प्यार करी इतनी प्यार करी फिर हुआ क्या एट रिजल्ट क्या आया? अच्छा उन्होंने ये मुझे नहीं आज हर एक हर बंदे को पता मुझे इस लेवल की उन्होंने पीआर करवाई कि आज ना वो ब्रांड का है कहीं नहीं है मैं ही कहता था पी आर कर प्रोडक्ट दम होना चाहिए तो मैं इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जांपल लूंगा पॉडकास्ट के थ्रू अनुभव दुबे ही इज माय बिगेस्ट बिगेस्ट मेंटर मेरे सबसे बड़े भाई हैं वो हुँ, हुँ, हुँ. आज मेरी जर्नी में 90% उनका बहुत हाथ रहा है अच्छा आज आ, आज अनुभव भाई का कोई इतना प्यार नहीं दिखेगा हम्म बट क्या चाय सुडवा के प्रोटीन है, दम है दम है मैं जब बात भी किया था उनसे मैंने उनके साथ पॉडकास्ट किया है और जब मैंने उनसे बात किया था तभी मतलब समझ में आ गया था कि बंदा मतलब दम है बातों में उनको बिजनेस पता है अंदर इन एंड आउट्स पता है डेप्थ में पता है कि क्या है कैसा है एंड उनका वो जो हम्बल नेचर भी था ना कि हाँ ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ और मैं समझता हूँ अपने कस्टमर्स की नर्व्स को और फिर उस हिसाब से प्रोडक्ट क्रिएट करता है तो उनका जो सेंस था ना बिजनेस का वो तो बहुत अच्छा लगा था मुझे बहुत हम्बल है वो आज मैं उनका कोई एक एग्जाम्पल बताता हूँ उनका टोटल आउटलेट्स हैं मैं अभी कल ही उनसे मिल के आया था हाँ मैं उनसे मिलता रहता हूँ मेरे मिनटा और उनका दो दो तीन घंटे बैठता हूँ फाइव आउटलेट्स इन इंडिया

आज इंडिया में और कोई ऐसे है जिन लोगों ने पी का गलत तरीके से यूज किया गलत तरीके, तरीके से जैसे सबसे बड़े पूनम पांडे की डेथ हाँ, कॉन्ट्रोवर्सी कर ली हाँ, करना करने गई थी अच्छा हो गया खराब ओवर <laughs> पी अभी इंडिया में एक नया चेहरा आ रहा है नाम नहीं लूंगा वो हर बॉलीवुड बॉल पार्टी से जा रहा है सब जो कर रहा है वो भी एक ही है कहीं ना कहीं आज इंडियन पब्लिक उससे इरिटेट हो चुकी है Okay. क्या यार क्या क्या हाँ मुझे भी मतलब भी आपको दिख रहे हो मतलब आप सेलिब्रिटी नहीं हो आपके अंदर दम है बट वो दिख रहा है दोनों बंदे ने ब्रांड बता लिया अपना आज बंदा बोलता है खर्च करके बट उसने वाला बन गया उसको किसी पॉडकास्ट में किसी ने पूछा ये चीज की भाव होता हो आज आपने सब कुछ इतना किया क्या आपको लगता है पाँच छः महीने बाद आप कहाँ दिखोगे ओ माय गॉड वो मैं तो वो टेंशन में आ गया <laughs> वही चीज़ है ना देखो एक इफ़ेक्ट है कि आप आज आपके पास ब्रांड नहीं है Hmm. आज मैं ये कहता हूँ अगर आपको पीआर कराओ तो आपके प्रोडक्ट में इतना दम होना चाहिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना बेसिकली। exactly. फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो बोले आप

आप शॉकडोगे टी टीवी पे आज तक पे किसी की न्यूज चलती है वो भी पीआर होता है और शॉक्ड शॉकडोगे पेड भी होता है किसी की स्पीड न्यूज चल रही है एग्जाम्पल आप, आपने आज तक पे न्यूज देखी टॉप हंड्रेड कभी कभी देखा पुत्र कभी कभी देखा है कभी कभी क्या ना इस जगह में ना ये फाउंडेशन हुआ इस जगह पे ना इनोग्रेशन हुआ वो पेड़ होता है पचास पचास हजार रुपये में भी न्यूज डल जाती है आज तक पे वो आपके लिए स्ट्रांग नेटवर्क चाहिए आपको वो हमारी जैसे कम नहीं करती है <laughs> तो वो भी पी होती है न्यूज़पेपर में आपका किसी का ऐड आया है वो भी पी होती है अब आप बोलोगे ऐड की डेफिनेशन क्या होती है कि एक पैम्पलेट को डलवाना ऐड नहीं कहते वो आपके हो गया ऑफलाइन मार्केटिंग या ऑफलाइन मार्केटिंग या होर्डिंग्स मार्केटिंग वो हो गया आपके ऑफलाइन अब आप बोलोगे ऐड क्या होता है जिशान जी ने ये अचीवमेंट किया इसको अखबार में डलवाया उसको कहते हैं पेड पी वो ऑर्गेनिक भी हो सकती है

बट जब इंस्टाग्राम के आप जब अप्लाई करते हो तो उसमें लिखा हुआता है फोर न्यूज़ आर्टिकल्स आप ही कुछ है तो ऑर्गेनिक तो वो आर्टिकल्स काम आते हैं वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करने के लिए न्यूज़ आर्टिकल गूगल पे कोई आपका नाम लिखे तो आपके बारे में आर्टिकल्स आने चाहिए सब कुछ पेड होता है और ऑर्गेनिक होता है ऑर्गेनिक भी आर्टिकल्स जाते हैं पेड भी जाते हैं वो एक और सेगमेंट ये पूरा था न्यूज़ सेगमेंट एंड द सेकेंड सेगमेंट आता है डिजिटल इंस्टाग्राम के अपने जितने पेजेस सुनोगे मीम पेजेस इंस्टेंट बॉलीवुड फिल्मी ज्ञान आर जे ट्रोल्स ऑफिशियल सब कुछ इन सब पे कॉन्टेंट जाना

फिर उसके बाद आती है पॉडकास्ट पियर आज पॉडकास्ट लोग जाना पसंद करते हैं अभी राइट नाउ इंडिया में सबसे बड़ा बूम है पॉडकास्ट का कि अब ऑडियंस ने सीखना चालू कर दिया है अब अब ऐसे ऐसे पॉडकास्ट भी हो गए हैं जो अब न्यूज़ भी बताने लग गए हैं इन्फॉर्मेशन भी देने लग गए आज देखो तो मुझे लगता है पॉडकास्ट वालों से या आपसे सबसे ज़्यादा दिक्कत न्यूज़ वालों को होगी

तो, 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 तो पब्लिक तो एक चीज बोलूंगा कि, आ, वाला भी सबसे हाँ मार्केट इंडिया का आने वाले पांच सालों में और बो अच्छा मुझे लगता आने वाले पांच सालों में टीवी चैनल्स लोग नहीं दिखेंगे लो जा जा बहुत कम क्योंकि अब लोगों ने सीखना चालू किया मैंने देखा आज अगर मैं सोच रहा हूँ एक पॉडकास्ट के थ्रू एक बंदा कोई सीखे तो कितनी अच्छी चीज है वो कितना अच्छा कनेक्ट कर पा रहा है उसको वो सीख पा रहा है वो चीज़ को नहीं अच्छा टॉक शो में लोग अपनी जर्नी की बातें करते हैं कुछ सीख रहे हैं आज इस पॉडकास्ट काफ़ी लोग सीख रहे अच्छा रियल में पीआर क्या होता है कौन कौन क्या करते हैं क्या एल्गोरिदम होती है तो सब चीज़ें मैटर करती है तो पॉडकास्ट पीआर भी एक पी का पार्ट आता है कुछ पॉडकास्ट वाले पेड भी करते हैं गेस्ट को ले आते हैं और, और कुछ करते हैं ऑर्गेनिक भी पेड भी जरूरी है तो पॉडकास्ट ग्रो कैसे करेगा वो भी चीज है पेड तो के आप उसको वैल्यू दे रहे हो अपने प्लेटफॉर्म आने की आज जो न्यूज चैनल्स पे जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग आते हैं क्या वो लगता है वो फ्री में आते हैं कोई फ्री में नहीं आता आज बड़े बड़े न्यूज चैनल्स को भी पेड बुलाने की जरूरत है तो पॉडकास्ट वाले क्यों नहीं बुलाएंगे अच्छा, वाले भी पे करते हैं लोग अच्छा काफी लोग बोलते हैं आप तो इन पॉडकास्टर के साथ काम करते हो क्या ये पेड करते हैं ये पेड क्यों करते हैं अरे मैं आपको क्या दिक्कत है आप है वो भी तो, लगती है, <laughs> जो भी पॉडकास्ट वाले वो कोई ऐसे ऐसे को बुलाते भी नहीं है आज वो आपको कितना अच्छा आर भी तो दे रहे हैं आज ऐसे बहुत लोग है बहुत लोग हैं जिन्होंने हाई लेवल आर निकाली है पॉडकास्ट से आपको भी पता है काफी कोचेस है ऐसे हम्म जो काफी अच्छा मतलब काफी अच्छा कि आप पॉडकास्ट आज नाइनटी परसेंट लोग आरो निकाल रहे हैं मैंने एक एक बंद मैंने एक नाम नहीं लूंगा बट मैंने एक के जन के साथ पॉडकास्ट किया हमारे पॉडकास्ट भी ऑर्गेनिक ही था बट मैंने उन्होंने खुद से मुझे बताया कि तुम्हारे पॉडकास्ट से आने से मुझे 35 40 लाख का प्रॉफिट हुआ तो वो एक हमारी बनेगी मैंने उनको बोला मेरे को बना के तो मेरा काम आएगा बिकॉज ऐसा इतना इतना इम्पैक्ट हो रहा है पॉडकास्ट का पॉडकास्ट से इतना फायदा हो रहा है लोगों को जो लोगों को पता भी नहीं है, हम लोग <laughs> तो, मेरे को भी नहीं पता था इतना फायदा हो गया इसका सही है मैं आप मैंने एक का पॉडकास्ट करोड़ प्रॉफिट बनाया उसने आठ करोड़ का प्रॉफिट कौन सी नीच का था वो मतलब थोड़ा मुझे वो एनडीए रहता है आप बोल नहीं सकते वो नीच ऐसी है कि थोड़ी इंडिया में सबसे ज्यादा चलने वाली नीच है ओके okay. सबसे ज्यादा इंडिया में उस नीच को लोग यूज करते हैं हर सेकंड यूज करते हैं डर होता नीश है <laughs> तो उस नीच के पास जाते हैं समझ समझ गया गया तो तो लोग अगर आपको में में आ कमेंट डाल देना <laughs> इंडिया में सबसे डरते हुए उसी नीच से अच्छा ये लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रही थी मुझे उसके पास जाना चाहिए ये नहीं तो मुझे उसके पास जाना चाहिए ये तो बहुत चल रहा है यार मतलब मैं देख रहा हूँ बहुत चल रहा है ये वाला नीच जो है ना टॉप लेवल पे कौन है ये भी है आपको तो वही चीज है आपको मैं ही बताता हूँ कि देखो उस उन्होंने वहां से एट करोड़ का प्रॉफिट किया एट करोड़ अब वो कैसे किया क्योंकि लोग क्रेजी है अब जब लोग देखते हैं ना और आप जब किसी प्लेटफॉर्म पे अपने किसी फेवरेट बंदे को लेके आ जाते हो अगर आपका चैनल में कोई इतने टाइम से कोई लोग डिमांड करें ये आए जब वो बंदा आता है ना उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर तो उनको और अच्छा लगता है और या कोई ऐसा बंदा हो जो कभी किसी प्लेटफॉर्म पर गया ही नहीं है अब लोगों को उस नीच के बारे में सुनने का बहुत मन है क्या इस नीचे कोई तो बोले ऐसे बहुत होता है मेरे मन में भी होता है कि यार आज सब लोग पहले मेरे होता था कि यार आज हर बंदा बिजनेस को बुला रहा है डॉक्टर्स को बुला रहा है इनको अब जैसे आपने मुझे बुलाया तो मुझे इतना अच्छा लगा मैंने एक बार भी मना नहीं किया मेरा कोई तो है जो तो इस नीच को समझ रहा है बहुत कम लोग हैं आज लाइक मैं इतने पॉडकास्ट आज ईशान भाई लगभग 80 परसेंट पॉडकास्ट का डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास है पूरे इंडिया का 80 परसेंट जिस जिसमें से 2 परसेंट ऐसे लोग जिन्होंने मुझे बोला उनके वर्क मेरे पास था फिर वो लोग बोले कि आपको हमको आपके साथ पॉडकास्ट करना है क्योंकि उनको पता क्या है का लोगों को नहीं है ये बहुत वेल्यूबल चीज है हमने अभी मैं यूट्यूबर्स से मिला था ना हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे पीआर के बारे में डिस्कस कर रहे थे यार कितना इंपॉर्टेंट होता है पीआर और हम इतना इतना आगे शायद इसलिए नहीं बने क्योंकि हमने पी आर पे ज्यादा फोकस नहीं किया थोड़ा बहुत एटलीस्ट फोकस करना ही चाहिए था हमेशा लगता, लगता करना था करना चाहिए आपको और करो पी आर का नीच सबसे बड़ा नीच है आपको इस चीज में आप और ऐसे लोगों को बुला रहे हो इतना अच्छा लगा मुझे आपने बुलाया तो ये चीज देखे कि और क्या वैल्यू ऐड कर पाया काफी लोगों में फेमस अच्छा, अच्छा, क्यों हो रहा है, क्या हाथ है? ये मूवी है, है ऐसा क्या हर चीज पे पीआर आर कोई मूवी का एग्जाम्पल देना चाहोगे <laughs> जो मतलब पी आर का जिससे बहुत हिट हुई लाइक like, पठान मूवी आई थी ठीक है पठान मूवी का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ पठान मूवी देखी थी आपने बहुत अच्छी लगी

आज आप, आपको ये चीज़ पता है अगर मैं बोलूंगा और मूवी के बारे में ट्रेलर आपको तो याद नहीं होगा आपको पहले याद है इंडिया के अंदर लोग कॉन्ट्रोवर्सीज को बहुत हाई लेवल देखते हैं तो ये कराते हैं वाले पीआर एजेंसीज कॉन्ट्रोवर्सीज करती है आज मैंने भी, मैं, मैं मेरा भी बोलूंगा मैंने भी ऐसी बहुत करी है पॉजिटिव में करी है बट मेरा हमेशा है मुझे पॉजिटिव कॉन्ट्रोवर्सीज करनी है आपको पता भी नहीं होगा कि ये, अच्छा ये पॉजिटिव कॉन्ट्रोवर्सीज like, हाँ, जैसे क्या होती है uh, जैसे कि बंदे का हम कंपेयर कर रहे हैं एग्जाम्पल पार्लियामेंट uh, है पार्लियामेंट में ना जैसे ये पार्लियामेंट का वास्तु खराब है अच्छा ठीक है तो उसमें हमने किसी वास्तु एक्सपर्ट को बताया कि वास्तु एक्सपर्ट बोल रहा है कि ना ये खराब है ऐसा नहीं होना चाहिए दूसरा बोला कि नहीं ऐसा होना चाहिए तो उसको पॉजिटिव में लेके कर दिया पार्लियामेंट का नाम जोड़ दिया तो मीडिया में बात हाईलाइट हो गई ओके okay. और जैसे आपने सॉन्ग था उसमें वो भगवत रंग के वजह से पूरे हाँ, हिंदू मुस्लिम साला कर काफी, दिया काफी ऐसा कुछ था ही नहीं अच्छा और अधिकतर लोग उस गाने को मूवी देखने गए हाँ, यही हाँ। सीन था मतलब पता तो चला उस मूवी के बारे पता हाँ, में और क्या है अच्छा इंडिया में लोगों में बहुत पॉलिटिशियंस बहुत यूज करते लेवल क्योंकि बहुत सी बातें ग्राउंड लेवल पे दिखती नहीं है बट न्यूज पे दिखती है कि ऐसा हो रहा है बहुत हाई लेवल पी देखो पॉलिटिकल लोग पूरे पी पे डिपेंडेंट है पूरे अच्छा, पॉलिटिकल हाँ। लोग तो पूरे पे ऊपर से लेके टॉप पी आर पेट क्या बोल रहे हैं क्या जाना है आज एक आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आज आपको मैंने बोला मैं एक पॉलिटिकल बंदा हूँ एक सिटी का ठीक है एक सिटी का मैं पॉलिटिकल बंदा हूँ तो एक न्यूज आई कि मेहुल पुरोहित सोने के चम्मच से खाना खाते हैं तो आप मान लो उस बात को मान लो यार, आपके का हुँ मैं, हुँ। मैंने, मैंने खाया सोने के चम्मच से खाना माननी पड़ेगी किससे वालों ने आपने मान ली उस बात फैलाने का सोने की चम्मच से मेरू खाना खाता है सोने के चम्मच से अच्छा अमीर बंदा है ये चीज क्रिएट हो जाती है हर चीज पीआर एंगल से की जाती है मैंने आपको आते भी एक एग्जांपल दिया था गाय को इस एंगल से खाना खिलाओ दिखना चाहिए ऐसे खिलाओ दिखना चाहिए हुँ हुँ। अच्छा स्पीच में ऐसा बोलना है सब कुछ पी आर प्लांट होता है इसके इसके बारे में इसके बारे में में बोलना है एग्जैक्टली कभी कभी कुछ नेता ऐसे हैं आपने देखा होगा कभी अपन अपन सोचते हैं किसी नेता की स्पीच अपन नेता की कोई असेंबली में उप, कोई भी कॉन्क्लेव में होता है एग्जाम्पल हुआ है मुंबई तो मैं इसको छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि को मैं करता हूँ और क्या बात है हमारे उनके बारे में नाम लिया शिवाजी के बारे में वही बंदा फिर तीन घंटे बाद वो जाते हैं राजस्थान खम्मा खम्माघड़ी राजस्थान तो कनेक्शन लोग बैठा लेते हैं अच्छा है, हमारे बारे में बात हो रही है दे वेरी इंटेलिजेंट दे आर वेरी इंटेलिजेंट बट उनको बताया जाता है कि शहर के बारे में ये फेमस है आज अगर मैं जिस शहर से आता हूँ बीकानेर राजस्थान तो कभी एग्जाम्पल कोई बड़ा बंदा आके वहाँ पर जब बात करता है कि मैं शहर को बोलता हूँ ये शहर का भूजा बहुत फेमस है ये तो उनको थोड़ी पता होता है ये चीज़ है उनको बोली जाती है अब ऐसा बोलना और पब्लिक क्या है बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेती है अच्छा हमारे शहर के बारे में बातें हो रही है हमारे लोगों के बारे में बात हो रही है ऐसे

एग्जाम कोई ब्रांड आया एक्साइजेड उसके इंडिविजुअल ने बोला कि मुझे प्रमोट करो आप ठीक है हम उनसे एक कस्टमाइज बजट लेते हैं कि आप अपना बजट बताओ उसका बजट बताते हैं तो उसको हम मैच मैच करते हैं फिर हम उनको एक प्लान बनाते हैं अब आप समझो कैसे कि आपको हम न्यूज़ आर्टिकल से फ़ीचर करेंगे आपको हम कुछ पॉडकास्ट के ऊपर फीचर करवाएंगे कुछ आपके बारे में ऐसा करेंगे कुछ टॉक शोज में आपको लेके जाएंगे ऐसा हम लोग उसका पूरा प्लान करते हैं आपकी मार्केटिंग में मित्र एक्सपेंड लगाएंगे आपका एस यू उससे बहुत स्ट्रॉग होगा सारी चीज़ हम लोग उसका पूरा प्लान बना के देते हैं तब उसकी पूरी पीआर मैनेज होती है

और चलो बिजनेस ओनर्स हो गया अब क्रिएटर्स भी हमारे कई सारे व्यूअर्स क्रिएटर्स होते हैं क्रिएटर्स के एंगल में मतलब बात करना चाहूंगा कि वो लोग कैसे पीआर का यूज़ करते हैं या कर सकते हैं क्रिएटर्स को अगर अच्छा बनना है तो इसमें दो, दो साइड है कौन यूज़ कर रहा है और कौन नहीं करते क्यों करना चाहिए क्रिएटर्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है इतनी भी नहीं कि आप क्या इतनी हाई लेवल यूज करो जैसे कैंस फेस्टिवल हुआ था हाँ 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 बहुत सारे क्रिएटर्स गए थे वहाँ पर बहुत सारे गए थे तो उसमें से नाइनटी पेड लोग थे उसका एक प्लान था आज मैं ये पॉडकास्ट ये चीज़ बता रहा हूँ कि लोगों को तो पता तो चले क्या हो रहा है आप इतनी भी नहीं करो कि आपके ऑडियंस को लगेगा ये गलत है मेरा हमेशा से ये कि आप गेम खेलना तो गेम खेलो अगर आपको पी गेम खेलना लोगों के सामने तो देखो आप थर्टी फाइव लैक दे के कैंस जा रहे हो पच्चीस लाख देकर जा रहे हो तो मतलब नहीं है ना अच्छा इतना कॉस्ट हाँ प्लान होते हैं उनके और मेरे से पहले एक बहुत बड़े अपने शार्क बोल चुके हैं शार्क इंडिया के जज अच्छा वो तो पेड़ करके गई थी ना तो ये लोगों को पता है अब जिन लोगों को पता है देखो जो इस फील्ड का है ना उनको पता है ये चीज और आपने मुझे बोला था कि मुझे कहीं ना कहीं हिंट था हिंट मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं से सुना हुआ है या इंसान खुद को हिंट हो जाता है यार ये बंदा कैसे जा सकता है हाँ, ऐसी मतलब <coughs> मेक सेंस नहीं कर रहा आज यार हम इस लेवल पे कर रहे हैं हम क्यों नहीं जा पा रहे ये कैसे जा पा रहे फोर्थ थर्टेटी मैं क्यों नॉमिनेट नहीं हो पा रहा ये क्यों बंदा हो रहा है आज आप कभी कभी फोर्थ थर्टेटी में आप ऐसे ऐसे लोग देखोगे जो जिनको आपने कभी जिंदगी नहीं 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 देखा देखा है है कभी बहुत सारे क्रिएटर आज मेरा ऐसे बहुत मेरे क्रिएटर जो इतने अच्छे काम कर रहे हैं इतना अच्छा करके भी आज तक वो नॉमिनेट नहीं हो पा रहे फोर्ब्स के लिए वो ना कहते हैं ना इसके लिए क्रिएटर्स इवेंट के लिए वो नॉमिनेट नहीं हो पा रहे वो इतनी मेहनत कर रहे हैं <laughs> बहुत रात दिन मेहनत कर रहे हैं आज वो <laughs> इतना बट बट उनका ये कि नहीं हमको ऑर्गेनिकली चलना हमारे सिद्धांत <laughs> की है ये नहीं है पेड कराओ पेड ही तो पीआर एजेंसी करवा के देगी बट करवाओ बट आप इतना भी मत कराओ कि वो एक्सेस हो आज कुछ लोगों का फेस ऐसा है कि लोगों को पता चलने लग जाए कि अच्छा ये तो हर चीज़ पेड ही करता होगा हर चीज़ पेड करता होगा इस बंदे का नेचर ऐसा है

करोड़ के अंदर हमारा रेवेन्यू है बट कहते हैं ना मार्जन्स बहुत कम होता है पी के अंदर और मेरा हमेशा से यह कि बाकी जो हमारे ना सब पार्टनर्स है वो लोग मार्जिन रखते हैं फिफ्टीन परसेंट ट्वेंटी परसेंट आप शॉक्ड हो जाओगे मेरी कंपनी का मार्जिन है सेवन परसेंट बस सेवन परसेंट हमको मार्केट में और मोनोपोली बनानी अपनी और अच्छी लेवल पर मोनोपोली अब बात आती है आप जर्नी पे आए हो मेरी कि कैसे सब कुछ हुआ मतलब मैं हर पॉडकास्ट के बाद बोलता ही हूँ मतलब कि एट द एज ऑफ नाइन आई लॉस्ट माई फादर अब मैं आता हूँ एक ऐसे शहर से जो बहुत छोटा शहर बहुत प्यारा शहर बीकानेर राजस्थान जहाँ का भुजिया बहुत फेमस है जहाँ की मिठाइयाँ फेमस है वेडिंग्स फेमस है जहाँ पे रॉयल वेडिंग्स लोग करते हैं राजस्थान के अंदर तो तो मैं वहाँ से आता हूँ तो है ना मेरी स्टोरी कुछ ऐसी रही कि जैसे पहले मेरे दादा बहुत बड़े बिजनेस थे तो है ना वो पहले मुंबई रहते थे उसके बाद मैं ना दादा की डेथ हुई फिर जब मैं नौ साल का था तो पापा की डेथ हुई मैं मेरे भैया मम्मी हम लोग तीन लोग ननियाल में हमको मतलब जब डेथ हुई थी फादर और की तब फादर के घर से किसी ने पूछा नहीं हमको अच्छा जब मम्मी मतलब फादर की डेथ हुई दे था ट्वेल्थ डे के दिन सब लोग चले गए थे मेरे मेरे मम्मी को और मेरे भैया को छोड़ के हम लोग उस रेंट वाले घर में थे सब लोग चले गए थे और फिर नाना नहीं ना आके हम लोगों को रखा अगर सोचो नाना नहीं रखते तो हम कहाँ जाते तो आप कहते ना गॉड्स मेरे कल भगवान के मतलब भगवान साथ कोई ना कोई तो भगवान तीन का देता ही है आज तिनका नहीं उन्होंने पूरा हाथ दिया मेरे नाना नानी का मामा का उन्होंने पूरा हाथ दिया आज तो नाना नानी ने हमको ना अपने घर पे रखा ठीक है घर पे उन्होंने रखा मतलब मम्मी ने नाना नानी ने बहुत ध्यान रखा फिर मम्मी हमको पढ़ाते मम्मी ने अच्छे से अच्छे एजुकेशन देने की कोशिश की मम्मी उस समय प्राइवेट जॉब करती थी फिर मम्मी ने जॉब छोड़ दी थी और थर्टीन डे मम्मी के जॉब जाने का मम्मी जा रही थी तो लोग कमेंट करने लगे आपको पता ही हिंदू सोसाइटी और अपने मतलब कस्टम्स पर बहुत ज़्यादा हमारे बोलते हैं ऐसा क्यों नहीं जाना चाहिए जब ट्वेल्थ दे पूरा होता है हमारे मतलब कस्टम्स के अंदर पूरा देथ के बारह दिन तो चलता है तेरे दिन लोग कमेंट करने लगे अभी तो हस्बैंड की डेथ हुई है अभी कैसे जाए मम्मी ने एक बात बोली कि मैं बच्चों को खाना आप लोग नहीं डालोगे मैं डालूंगी तो मेरे लिए कमाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मम्मी ने लोगों की परवाह नहीं रखी सीधा चलेगी कमाने हम लोगों को अच्छी एजुकेशन दी मेरे भैया थर्टीन के थे और मैं उस समय नाइन का था तो हम लोगों को अच्छी एजुकेशन दी मम्मी ने और फिर मम्मी ने ना बाद में अपना पार्लर खोला ब्यूटी सैलून अपना तो अच्छी तो मम्मी ने मतलब जितना मतलब मेरे लिए आज कहते हो ना मेरे लिए भगवान मेरे मेंटो और मेरे आइडल सब मेरी मम्मी है उन्होंने जितना मेरे लिए कुछ मेरे लिए किया है ना मतलब उतना मतलब मेरे मेरे भैया के लिए तो कोई मतलब कोई नहीं कर सकता सबकी मम्मा बेस्ट होती है सबकी बट मैं ही मानता हूँ मेरी मम्मा रियल में बेस्ट है मेरे लिए उनको मैं अपने उनको देखता हूँ ना कि मतलब उन्होंने इतना किया इतना किया है मतलब स्टिल वो कर रही है कुछ भी बात होती है कुछ मतलब मैं उनको कोई छोटा सा टेंशन भी देना नहीं चाहता

कहते ना आप, आप लोग कहते बातों पर फर्क नहीं पड़ता पर मैं देखता था आदमी मम्मी को हर बंदा क्या बोल रहा है इनडायरेक्टली कि देखो हमें आज ये पहना है वो पहना है पता है ना वो अपने करीबी अब आप हिंड लग गया होगा करीबी लोग बहुत ज्यादा कमेंट करते, करते हैं कुछ ना कुछ कुछ ना उंगली कुछ करता हाँ उंगली वो भी <laughs> पास वाले कि देखो हमारे पास तो ये वॉलेट है हमारे पास तो ये पर्स है हम तो ये कर रहे हैं हम तो वो कर रहे हैं तो मुझे लगता था यार आज ये स्थिति क्यों हो रही है मतलब मम्मी को हर कोई क्यों बोल रहा है बिकॉज पैसा नहीं है हमारे पास आज हम ननियाल में रह रहे हैं और आपको बताया जीशान भाई ननियाल में रहना बहुत टफ है ये मैं जिसको भी बताता हूँ वो सबको बताया कि यार मेरी नाना ने कुछ बोलते नहीं है बट खुद के लिए टफ़ रहना बहुत ज़रूरी है कि जब आपकी फैमिली बढ़ती रहती है आप एग्जस्ट कर सकते हैं पर कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता आज आज एग्जाम्पल मेरे भाभी आए शादी करके तो हम लोग एक ही रूम में रहते थे जब मेरे भैया की शादी हुई तो मेरी भाभी भी एक ही रूम में मैं मम्मी भैया भाभी चारों सो रहे हैं इमेजिन करो आप भाभी ने एग्जस्ट कर लिया पर हर कोई कर सकता है नहीं कर सकता क्योंकि अब चौदह साल से मैं मैंने चौदह साल बाद हमारा पूरा हुआ है हम फोर्टीन ईयर्स ननियाल में रहे हैं और अभी भी है अब जाके मेरा हमने फ्लाइट लिया है सब चीज़ें हुई है फोर्टीन ईयर्स चौदह साल बहुत टफ होता है तो बहुत टफ होता है कैसे मतलब इतना प्रॉब्लम्स फेस करें उसके बाद तुम मतलब कहाँ से पॉजिटिव पी में आने का गेम कैसे स्टार्ट हुआ ये सब चीज़ें चली रही थी तब लगा कि यार अब एक ऐसा टाइम आना चाहिए कि अब मुझे अर्निंग करनी है अर्निंग करनी है मुझे पैसा का तो मेरा दिमाग खुराफती पहले से था कि मुझे कैसे करके मैं पैसा कमाऊँ मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करी <laughs> मैंने, मैंने भी करी है <laughs> मतलब हर बंदे ने करी है जो, जो बंदा अच्छा कर रहा है मतलब अच्छी वाली बात नहीं है जो बंदा कुछ अलग कर रहा है वो मोटी सेल सीख जाता जाता है, है मार्केटिंग सीख जाता है। अगर कोई बंदा ना, कह, ना कहता है तो उसको लॉस करना सीख जाता है मार्केटिंग और आप मानोगे नहीं मैंने उस पर भी तीन से चार लाख रुपए कमाए

उसमें प्रोडक्ट्स लो ये करो वो सब करो तो आप सीख जाते हो आप आपको दिक्कत नहीं होती उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी फिर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग किया ग्राफिक डिजाइनिंग में मैं पूरे वर्ल्ड में कैनवा का सेकंड डिजाइन सेकंड था बंदा जिसने कैनवा देखा और कैनवा का वर्ल्ड का बेस्ट डिजाइनर अवार्ड भी मुझे मिला हुआ है अच्छा कैनवा का सॉफ्टवेयर सब लोग अभी इंडिया में बूम आया हुआ है कैनवा का मैंने पाँच साल पहले कैनवा में डिजाइनिंग करके छोड़ दी थी कैनवा में मैं डिजाइनिंग करता था फिर मैंने मेरे छोटे छोटे प्लान देना चालू किए एक टाइम था जीशान भाई की मैं कैनवा का लोगो प्लान देता था साल का ग्यारह हजार रुपए दो मैं आपको डिजाइनिंग करके दूंगा और सोशल मीडिया पे पोस्ट करके दूंगा अच्छा अब आप बोलो ग्यारह हजार में क्या आता है वही। हाँ। उस समय मैं सबसे अच्छा छोटा प्लान था ग्यारह देता था आज देखो तो ग्यारह लाख महीने का प्लान है मेरा पी आर का कुछ प्लान ऐसे ऐसे भी हैं ग्यारह लाख महीने के भी तो एक टाइम की बात है कि आपको उस टाइम पे मेरे लिए वो चीज थी तो मैं लोगों को देना चालू किया उसके बाद लोग काम अच्छा लगा बट कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता मुझे ये लगा कि यार मैं आज महीने का पंद्रह हज़ार रुपये दस से पंद्रह हज़ार रुपये कमा रहा हूँ अच्छा भी लग रहा है यार अठारह साल की उम्र में दस से पंद्रह हज़ार रुपये कमा रहे अपन नाइनटीन में मैं एंटर हो रहा था कि क्या दिक्कत है और मुंबई से मेरा कनेक्शन था ही मैं ददियालियाँ आया था तो मैं मुंबई आता जाता रहता था मैं क्या हो क्या रहा है इससे मैं मेरी ड्रीम्स तो फुलफिल नहीं कर पाऊंगा खुद के खर्चे भी होते हैं मैं इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट में भी जाता था अच्छी एजुकेशन लेता था मैं इससे ड्रीम्स फुलफिल नहीं रहा हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग में कर रहा हूँ तो हर बंदा कर रहा है आज इस पॉडकास्ट रूम में मेरे हिसाब सबको नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग का कि ये फील्ड ऐसी कि हर बंदे को नॉलेज है मैं कहा इसमें यूनिक क्या हुआ मैंने नाम क्या कमाया मुझे फेम भी कमाना था नाम भी कमाना था जो जो मेरे दादा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे मल्टीफेस कंपनी उनके नाम की थी मैं कहा वैसा मुझे नाम मुंबई में करना है मेरा और मैं मुंबई में था भी नहीं उस समय मैं कहा वो मुझे नाम करना है मैं चाहता हूँ पूरा इंडिया में मुझे लोग जाने एक फेम होता ही एक शौक होता है हुँ, हुँ, कि फेम लोग मुझे मिले क्योंकि पहले मुझे आई ऑफिसर बनना था मेरा मुझे पावर चाहिए वो चाहिए थे तो मुझे ऐसे ऐसे छोटे छोटे ड्रीम्स थे देन मैं देखा मैं कैसे पैसा नहीं कमाऊँगा फिर देन में पीआर में एंटर हुआ मेरे एक बंदे ने मेरे एक इंटरव्यू लिया मैं डिजिटल मार्केटिंग उस समय बहुत अच्छे लेवल पे कर रहा था कैनवा एक लड़के ने मेरा इंटरव्यू लिया क्या मुझे ग्यारह सौ दो ग्यारह सौ भी देने मेरे उसके लिए बड़ी बात थी मैं उस, मुझे उसको देना कोविड का टाइम आ गया था कोविड ने तो वह पता कि कितने लोगों को बचा ही है <laughs> कोविड उस समय ही हुआ जब मैं ट्वेंटीज़ का तो, तो उस समय क्या मैं पी सीख रहा था कि क्या होता है तो एक लड़के ने मेरा इंटरव्यू लिया क्या आपका जूम पर इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं ये ना है ना आप मुझे ग्यारह सौ देना आपका मैं दे, ना डेली एंड के ऊपर आपका आर्टिकल डालूंगा मैं यार ये क्या इतना महंगा इंटरव्यू लेगा फिर उससे मुझे बोला आपका इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डालूंगा मैं बढ़िया चीज है ग्यारह सौ ग्यारह सौ में, में। उसने बोला फिर आप कल तो गूगल पे नाम देखना उसने मेरा कंटेंट बनाया उसको अच्छा लगा मैंने गूगल पे लिखा मेहुल प्रीत मेरे बारे में आर्टिकल आया मैं क्या बात है यार मेरा नाम लिखते मेरे बारे में आ रहा है मुझे एक बच्चा आया अंदर का बच्चा जगह क्यों ये क्या यार मेरा नाम लिखते मेरे बारे में आने लग गया मेहुल प्रीत मेरे बारे में इमेजेस आने लग गई मुझे क्यूरोसिटी हुई पूछा मैं का, ये क्या होता है एक, एक मेरी वेबसाइट है तो ऐसा मैं का, मुझे सिखाओगे मैं का, मुझे बताओगे या ही, मैंने उसको बोला, मैं का, तो मेरा साथ दे हम लोग दो साल तक बिना पैसा कमाए का काम कर रहे थे आज मेरा जो टीम का लड़का है जो वीपी है वो अन्न करता है इधर उधर पूरा करके समीर उसका नाम है बहुत साथ दिया उसने मेरा बहुत साथ दिया तो मतलब हम लोगों ने ऐसे हमारी जर्नी दोनों की चालू हुई कि फिर मैं पीआर में एंटर हुआ मुझे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला था इन्वेस्ट राजस्थान, का। राजस्थान जो समिट होती, काम मिला अच्छा। मैं लोगों पर मिला पी आर का जो फिर मैं मेरा नेटवर्क बनाना चालू किया क्योंकि नेटवर्क इज नेटवर्थ मैं इसी चीज से बिलीव करता था मिलता रहता था मिलता रहता था मैं ये नहीं देखता था मुझे बिजनेस आएगा ही नहीं आएगा मैं लोगों से मिलता रहता था जा जाके मेरे पे लोग बिलीव ही नहीं करते थे यार उन्नीस साल के लड़के पे क्या बिलीव करिए करें, क्या करेगा बट मेरे में था कि आप मुझे ना करो कुछ करो मैं मैं तो जाऊँगा मैं ट्रैवल कर लेता फिर बाद में मैंने डीएम किया अनुभव भैया को मैं कहा भैया मैं ये आपसे मिलना चाहता हूँ कह लो आओ आप ना मुझसे मिलने आ जाओ मैं उनसे मिलने गया वहाँ से लाइफ चेंज हुई उन्होंने बताया आप इतना अच्छा काम कर रहे होती अच्छी मैंने मैं कहा भैया मैंने मेरे इतना अच्छा नेटवर्क बनाया है मैंने लोगों को पी करना बताया पी कैसे होता है मैं कहा मैं खुद सब चीज़ें सीख रहा हूँ उन्होंने मुझे विश्वास किया मुझे चीज़ें सिखाई उन्होंने और लोगों को और लोगों से मुझे मिलाया मेरा का, काम बढ़ता गया लोगों को मेरा काम पसंद आता गया मैंने कहीं भी मेरा प्रमोशन नहीं किया आज ईशान भाई आप शॉक्ड हो जाओगे स्टिल हमारी कंपनी इस लेवल पर है अभी तक मैंने वन रुपीज का भी कभी एड रन नहीं किया है एक रुपये का भी मैंने ऐड रन नहीं किया कहीं पर मैंने कभी कोई चीज पेड नहीं करी है क्यों ऐसा जरूरत ही नहीं आज आज हमारी कंपनी का इतना माउंट पब्लिसिटी से सारा काम चल रहा है जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे कभी कि मुझे बिलीव आज भी हालत यह है कि हमारे पास कस्टमर्स हमारे पास आ रहे हैं हम उनका काम नहीं ले पा रहे हैं मैं खुद आता हूँ काम लूँ उनके डिलेवरबर्स पूरे कर नहीं पा रहे हैं कुछ क्लाइंट गुस्सा भी हो जाते हैं कि देखो इतना सारा काम आ रहा है और मेरे ये कि आप काम उतना ही करो जितना आप कर पाओ जितना आप काम अच्छा डिलीवरीबर्स दे पाओ वो वो चीज़ है टीम भी मैंने बहुत बड़ी करी आउटसोर्स मिला के सब मिला के वन हंड्रेड नाइन की टीम बहुत हमने किया फिर भी काम कर नहीं पा रहे उस लेवल पे वन हंड्रेड नाइन

उन्होंने काफ़ी लोगों से मिलाना मुझे सिखाया अच्छे वेल विशर्स लोग मिले उन्होंने बोला कि आप ऐसे करो और फिर मेरे एक, एकदम एल्डर भाई जैसे अरुण पंडित भैया उन्होंने और चीज़ें मुझे सिखाई कि आप ऐसे काम करो ऐसे करना चाहिए आप हमारे लिए ये करो वो तो बहुत चीज़ें आप जब अच्छा काम करते हो ना अच्छा पॉजिटिव माइंड आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं आज कुछ क्लाइंट्स आपके ऐसे होते हैं कि आपको आपका उनका भाई के साथ भाई जैसा रिलेशन हो जाता है उनको ये लगता है कि ये बंदा मुझसे हर दिन बात करते रहे काम नहीं तो भी बात करेंगे और मेरा नेचर भी ऐसा ही है आज मेरे पास जो भी क्लाइंट्स है ना मेरे एक से भी मैं प्रोफेशनल डील नहीं करता सब भाई जैसे हैं अच्छा। हम लोग बात करते हैं घूमने साथ में जाते हैं ऐसा करते हैं तो हमको वैसे देन मैं इस चीज़ में एंटर हुआ पी में करते करते काम सीखा लोगों से नेटवर्क बना अच्छा काम करने लगा लोगों को काम समझ में आया देन ये जर्नी चलती गई चलती गई चलती गई आज हम लोग इस लेवल पे काफी स्ट्रगल किए बट फिर देन आप एक अच्छी चीज आपने पकड़ लिया पीआर जो आई थिंक अभी भी बहुत मतलब जितना डिजर्व करती है उतना अभी तक एक्सपोजर नहीं मिला है पी इस इंडस्ट्री में अगर किसी एक इंसान को पी इसमें आना है सीखना है या फिर इस इंडस्ट्री में जाना है तो इसमें स्कोप कितना है कितना एक इंसान अर्न कर सकता है आपके हिसाब से और अगर करना है तो कैसे स्टेप बाय स्टेप कर सकता है ओके सो जीशान भाई ये बहुत बड़ा समुद्र है पैसा लगाने के लिए भी और पैसा कमाने के लिए भी आप जितना लगाओ उतना कम है और जितना कमाओगे उतना कम है हर बंदा एंटर हो सकता है आज ये एक चीज़ है आज मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ कि मेहूल भाई आपने जैसा किया तो हम कैसे कर सकते हैं मेरे फॉलोअर्स पे काफ़ी मुझे लोग मैसेज करते हैं डीएम के हमको आप जैसा करना है पीआर पीआर तो मैं यही है कि मेरे भी ट्राई है हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे काम करें कुछ ऐसा कोर्स निकाले हमारे टाइम पे आपके साथ कॉलोअप करके किसी साथ कॉलोअप करके कि लोगों को पता चले कि रियल में पी क्या है पी कैसे होता है कैसे नेटवर्क बनता है बट देखो ये चीज़ ऐसी है ना कि हर बंदा ओपनली नहीं, नहीं बोल सकता हर बंदे ने अपना नेटवर्क खुद बनाया है और इतना बड़ा समुद्र है कि आप ये मानो कि अगर कोई बंदा सच में ढंग से मेहनत कर रहा है ना पी में हुँ. अगर वो बिगनर लेवल पे तो बिगनर लेवल पे वो महीने का लाख रुपए कमा सकता है okay. घर बैठे बैठे और हाईएस्ट को ऐसा जानते हो जो पी में बहुत अच्छा मतलब हाइएस्ट कर रहा <laughs> है <laughs> मतलब, लोग लो, रहेगा लो, तो ना देखो अब जो काफी बॉलीवुड है जो करते हैं है, तो है, ना मेरा इनकम भी बताता हूँ <laughs> मैं बाकी का बता सकता हूँ कि लोग करोड़ों भी कमाते हैं हुँ. ऐसे लोग भी है जो महीने का करोड़ों भी कमा रहे हैं ऐसे कंपनीज भी है लाइक जो फाइव हंड्रेड सी आर था टर्न ओवर काम करता है उनके, उनके भी टर्न होते हैं सौ करोड़ दो सौ करोड़ इनको मेन सेलिब्रिटीजिम इनसे बड़े पॉलिटिकल कैंपेन सारे लोग एक स्टेट का काम मिलता है पांच सौ करोड़ का अच्छा मैं करता नहीं मैं, मैं हूँ का इंडिविजुअल करता है देखो मैं एक के नहीं हो ना। पार्टी, नहीं पार्टी के लिए पांच साल वो पार्टी रहे पॉलिटिकल लोग आपको बहुत हार्म करते पी करने में मेरा रहता है बट किसी पार्टी का नहीं रहता पार्टी वाले ऐसे देते हैं एक स्टेट का थाउजेंड करोड़ फाइव हंड्रेड सी इतना ज्यादा और वो जो रहता है उसका मैक्सिमम अमाउंट कहाँ जाता है आपके हिसाब से देखो पी आर कंपनीज़ के ऊपर डिपेंड है अब देखो जो बंदा कमाने का होता है जैसे मेरी कंपनी का फिक्स है हम लोग ना सेवन परसेंट में काम करते हैं सेवन टू एट परसेंट में अब सोच रहे कि दस परसेंट करें बट मेरा हमेशा ये मोनोपोली बना हुआ अच्छी अब सेवन परसेंट एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल कोई प्रोजेक्ट मेरे पास आ रहा है वन करोड़ का ठीक है वन करोड़ में सात परसेंट कितने हुए सात लाख सात लाख मेरी कंपनी का परसेंटेज हुआ उसमें से मेरी कंपनी को जाएगा मैं खर्चा निकालने की बात नहीं कर रहा एक करोड़ काम तो बहुत हाई लेवल हो गया सात लाख भी बटेगा जो पी आर बंदे मेरे जो बंदे असिस्ट जिस काम को किया वो बंदा काम देगा फिर उसमें एक्सपेंस जाएंगे उस बंदे के तब जाके मेरे पास प्रॉफिट आएगा सात परसेंट कट कटा के मेरे पास दो या तीन परसेंट आएगा बट मेरे पास क्लाइंट इतने ज्यादा तो हमारे अच्छा हो जाता है बट पी में पैसा बहुत है अब कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं ना अपने कमी है एक लोगों में एक कभी कभी किसी को पूरी मुर्गी को पूरा हरार कर लेता कहते बकरे को पूरा हरार करना वो एक बार में चाहेंगे अच्छा ये बंदा है ना

दस हज़ार के वैल्यू दोगे तो वो आप पाँच हज़ार भी शेयर करने के लिए तैयार रहेगा बट लोग का प्रॉब्लम दस हज़ार ले लेते हैं वैल्यू एक हज़ार की देते हैं वैल्यू देते से वैल्यू नहीं देते जिसके फिर वो नाम भी खराब हो जाता है और फिर कभी लॉन्ग रन में कुछ होगा नहीं सस्टेनेबल वही ना आपको नम, आज नंबर वन पे आना बहुत आसान है मेनटेन करना बहुत मुश्किल है और नाम खराब होने में एक सेकेंड लगता है कि अच्छा इस बंदे मेरे साथ ऐसा किया था मेरे पैसे खा गया पैसे डुबा देगी ये पी आने में बहुत ईजी वर्ड है क्योंकि एक चीज़ और सबसे बड़ा स्कैम मार्केटिंग में पी आ रही है अच्छा ये ऐसा भी होता है क्या मैं बस जैसे बात करते में में हैं लोग करता कर है, हाँ? कर है, लो, है बट मैं मैं कह रहा हूँ आपको आज मेरे कंपनी का सिद्धांत सीधा है मैं मतलब जब काम करता हूँ आज तक ऐसी चीजों में नहीं पढ़ना हाँ? कभी नहीं पढ़ूंगा मैं, हाँ? कि मुझे आप मानोगे नहीं आप शौक हो जाओगे मुझे लैख ऑफर किए गए हैं फिफ्टी लैख सिर्फ तुम्हारा प्रॉफिट रखो तुम बट इस बंदे की बैट पी कर दो ये ऐसा बंदा इसको मैं कभी नहीं किया मैं पैसों के लिए कभी काम नहीं करता लाइक like, कि पैसों से आप मुझे खरीद लोगे ऐसा कर लोगे कभी भी नहीं करता मैं इसका काम मत करो मेरा काम कर लो आप इनका काम करके आप बताइए मैं जिद नीच का काम कर रहा हूँ एक ऐसे बंदे हैं बहुत पॉपुलर है इंडिया में कुछ लोग कि इसका काम छोड़ दो मेरा कर लो मैं आपको इसे डबल इससे थ्री फोर एक्स दे दूंगा बट मेरा मेरे जिसके प्रति रॉयल्टी है वो वो मैं तोड़ नहीं सकता कभी कर नहीं सकता तो ये करते हैं लोग बैड पेयर भी करते हैं बट ये ना किसी गलत कर दो तो गलत मिलता है तो मैं ये हूं। अच्छा, किसी का नाम खराब हो जाता है तो भी कुछ हो ना, किसी का नाम खराब हो गया फिर उसको पॉजिटिव करते हैं वो कैसा होता है क्या होता है वो क्या होता है देखो किसी का नाम खराब हुआ है वो चाहे बाई चांस हुआ है किसी ने करवाया है या फिर खुद के कर्म ऐसे खुद ने कांड ऐसे कर दी कांड बोल सकता हूँ मैं कैसा है सही करने के लिए है कि शांत बैठो धीरे धीरे चीजों को करो अब एक बंदा है जिसका अभी बहुत नाम खराब हुआ था बीच में इतनी एक्सेस लेवल पे पीआर थी चाय वाला बंदा हा, 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 अब वो अब उसने क्या किया अब उसे है ना, बता रहे है कि देखो उस बंदे ने पीआर करी वापिस उसे खुद के नाम को ही की कि, कि मुझे पनौती बोलता तो मैं इसको ऐसे प्रमोट करूंगा खुद को सभी पॉजिटिव पीआर करने की कोशिश करी ना अब लोगों को अच्छा भी लग रहा है तो ये अगर आपको अगर आपको कोई चीज नेगेटिव लगे उस नेगेटिव को पॉजिटिव वर्ड बना लो आप

अब मैं ये मतलब मीम्स जो कल्चर है मीम्स बन जाते हैं नेगेटिव किसी के खिलाफ तो उसको एंजॉय करना चाहिए मीम्स भी बनवाते होंगे पेड़ से मैंने किसी से तो बात करी हम में थी। में नहीं करते है। मीम्स हैं मीम्स का भी मतलब आ, मैं किसके तो मैंने किसी से मेरी बात हुई थी उनके बहुत सारे मीम पेजेस थे मतलब वो लोग भी पियार ही कर कराते ना काइंड ऑफ वो लोग पेड अपने मीम्स बनवाते हैं किसी को और वायरल करवाते हैं तो ऐसा भी होता है हाँ ये सब पियर का पार्टी में बोला ना कुछ बड़े बड़े पेजेस जो करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में ना नागते हो ऐसे हैं जिनके नेगेटिव मीम्स बन जाते हैं

आप ही उसको पॉजिटिवली ले रहे हो कुछ इनोवेटिव और डिफरेंट तरीके से जो पी होते हैं जो तुमने भी काम किया है मे बी जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है या फिर पता भी मोस्ट इनोवेटिव पी तुमने क्या किया है काइंड काम मैंने मोस्ट इनोवेटिव काम ये किया है <laughs> कि मतलब देखो मुझे ऐसे जीशान में मुझे ऐसे काम करने मजा आता है जो कोई नहीं कर रहा मतलब मेरे आइडियाज़ लाइक like, जैसे मैं मेरे भैया दो हैं हम कंपनी में को फाउंडर्स तो आज मैं भैया मैं कहता तो काम मुझे और डेलीकेट कर काम डेलीकेट कर पर मेरे से ज़्यादा क्यों बात करते हैं मैं भैया पूरा ऑपरेशन से होगा क्योंकि मेरे पास आइडियाज़ ऐसे ऐसे आते हैं ऐसे आता है जो चलते चलते आइडिया आ जाता है अभी अभी मेरा माइंड ये नहीं कोई गॉड गिफ्टेड नहीं ये चीज़ मैं बैठे डिस्पॉडकास्ट का आइडिया दे सकता हूँ आपको एक सेकेंड में लाइव आप मुझे बोलो क्या मुझे बताओ क्या करो मैं आपको एक सेकेंड में आइडिया दे दूँगा किसको ऐसे पी कर सकते हैं कि मेरे आइडियाज आते रहते हैं आइडियाज आते हैं कि मेरा काम ये है मैं इस चीज़ को इतना देख रहा हूँ ऐसे बहुत इनोवेशन चीज़ है जो मैंने करी है जो इतनी वायरल हुई है अब ये है ना कि एक एग्जाम्पल भी बता सकता इतनी हाई लेवल चीज अब मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि कोई बहुत बड़ा बॉलीवुड का अवार्ड शोज था बहुत बड़ा बॉलीवुड का अवार्ड शो होता है जिसमें मेरे क्लाइंट ने सेलिब्रिटी को अवार्ड दिया मैंने ये बोला आज के इंडिया में बहुत ट्रेंड चल रहा है अवार्ड लेना किसलिब्रिटी से अवार्ड ले रहे हैं किससे ले रहे हैं मैंने उनको बोला कि आप क्यों ले रहे हो अपन ऐसा काम करेंगे अपन अवार्ड दे उनको अवार्ड मैंने उन्होंने अवार्ड दिया तो एक अलग तरीके से नेक्स्ट लेवल चीज ना ये बंदा कौन है ये इसने अवार्ड दिया मुझे

इंडिया में जितने मेरे भाई बहन उनको भी मैं ये सजेशन दूंगा कि देखो आप पी आर करवाओ ना तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका बिजनेस किस लेवल पे है बिजनेस या आपका प्रोफाइल क्या है कि जो आपने बात की कि नींव मजबूत रहनी बहुत जरूरी है अगर बिल्डिंग की नींव मजबूत नहीं रहेगी तो वो टूटेगी बहुत जल्दी अगर आपकी नींव जिस दिन मजबूत हो उस दिन आप पी करवाओ ये सबसे पहले है कि आपको करवाना चाहिए नींव मजबूत से मतलब क्या है नींव मजबूत कि आपका आज इस लेवल पर आपका प्रोफाइल है आज कुछ ऐसे ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं जिनके कोई क्रिएटर्स है कि मैं कि मेरे ना हंड्रेड फॉलोअर्स हैं मुझे मैं स्टार बनाओ अब मैं कोई वो नहीं ना कोई धर्मा प्रोडक्शन का कर, कोई करण जो तो मैं हूँ नहीं कि मैं आपको स्टार बना सकता हूँ आई नो मे बहुत बहुत लोग ऐसे आते हैं ऐसे ऐसे लोग भी आए जिनके ना मैं ना कहते एक लाख फॉलोअर्स है मैं तीन मिलियन पे ले गया ना मैं कोई इंस्टाग्राम बिजनेस कोच हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ बट मुझे बताया कि सबका क्या एल्गोरिदम है और ये ऐसा बजट है कि आप देखो आपको और जब आपको लगे कि आप एक अच्छा बजट कर रहे हो आप अपना अर्निंग का मेरा एक सजेशन यही रहता है अपने अर्निंग का टेन परसेंट में लगाओ ओके okay. मार्केटिंग नहीं अपना अर्निंग का जो आपको लग रहा है अभी तक पे लगाओ पर वो इतना कम से कम एक लाख का हो अब आप कैलकुलेशन कर लो कब पी करानी चाहिए मीन्स आप सेवन टू एट लैक या टेन लैक अर्न कर रहे हो तब तब ठीक है आप होर करो राइट राइट मेरा सजेशन है कि देखो फिर से क्या होता है आप सोचो कि पंद्रह बीस हजार रुपए लगा के मुझे रिजल्ट मिले तो ऐसा नहीं हो सकता एक सबसे बड़ी चीज जो भी बंदा पी करवाए वो ये कभी नहीं देखे कभी ये नहीं सोचे कि मैं यहाँ पे पैसा लगा के सीधा पैसा डबल कर लूंगा नॉट स्टॉक मार्केट कोई क्रिप्टो नहीं है कोई स्टॉक मार्केट नहीं है पैसा डबल नहीं है ऐसा कुछ नहीं है काफी लोग हमारे पास आते हैं कि है ना मैं, हम लोग काम भी नहीं लेते उनका कि ना आज मैं ना इतना पैसा लगा तो मुझे, डबल तक हो जाएगा? मुझे इसके आर ओ मतलब हो जाएगा अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है जो बंदा ब्रांडिंग का सोच के आता है कि मुझे दिखना है हर जगह उस बंदे को पैसा भी डबल हो जाता है आप डायरेक्टली रिजल्ट करोगे तो आप रिजल्ट के पीछे जाओगे इससे अच्छा अगर ब्रांडिंग का सोच के जाओगे थोड़ा बड़ा पर्सपेक्टिव लेके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है और उससे रिजल्ट्स भी आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था तो मुझे जल्दी रिजल्ट मुझे इसीलिए मिले बिकॉज मैंने नंबर्स पे इतना फोकस नहीं किया मैंने सिर्फ वैल्यू देता रहता हूँ और वैल्यू देने पर फोकस किया ऑटोमेटिकली नंबर्स मिलते गए बिजनेस में भी कई बार जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो लोग सिर्फ एक अच्छा वैल्यूबल प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं और जब उनका पूरा फोकस वैल्यूबल वैल्यू देने पर रहता है तो ऑटोमेटिकली पैसा बाय प्रोडक्ट सेकेंडरी आ ही जाता है एक्जक्टली आज जैसे आप देखोगे पॉडकास्ट भी मैं बताता हूँ आपके ऑर्गेनिक जॉब के अच्छे लोग आते हैं वो बोलते होंगे कि यार मैं तो एक शर्त हूँ कि मुझे व्यूज़ अच्छे आएंगे ना अरे यार आप व्यूज़ देखने क्यों आ रहे हो आप बात रखो व्यूज़ आपके हाथ में नहीं है व्यूज़ ना किसी के हाथ में आप बोल किस पे कैसे रहे उस पर आपके हाथ में ये भी एक चीज़ होती है तो भैया अगर आप रिजल्ट देखने जाओगे ना तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे आप जाओ ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं यार मुझे यार उस क्लाइंट से मिला मीटिंग अच्छी हुई नहीं कुछ बात नहीं बनी आप उससे एक बार मिले हो क्या पता इन फ्यूचर वो आपसे आप तभी मैं हमेशा कहता तो नेटवर्क इज नेटवर्थ आप कनेक्शन लोगों से अच्छे बनाओ कभी ना कभी कोई काम आ जाता है वो बंदा काम आया नहीं बट वो किसी को रेफरेंस आपको दे दे देगा तो बहुत बार हुआ। अच्छा। जिन लोगों से मैं मिला उनसे रिलेशन बन गए उन्होंने काम दिया नहीं दिया उन्होंने किसी और को दे दिया आज आपका बताता हूँ आज जिस में आप पीआर आर नहीं करो अगर आपको कोई पूछेगा पी आर तो किसका आपसे मिले मुझसे आपको एक वो चीज है मैं गैंगस्टर आप आप भी हो बट जो एक जो एकदम हैं ईयर के वो सीधा आप एक दिन में हाई लेवल मत सोचो अपने दिमाग को कॉर्ड दो एक मोटिवेशन रखो खुद को मोटिवेशन दो अपने फर्स्ट प्रायोरिटी को परे रखो फर्स्ट प्रायरिटी किस चीज को देनी है करियर को फर, हमेशा मैं ये मानता हूँ कि करियर फर्स्ट प्रायरिटी पर होना चाहिए आपका और भी कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें लगता है कि पी होती है और लोगों को नहीं पता उसके बारे में अभी राइट नाउ बहुत हाई लेवल इंडिया में एक चीज चल रही है कॉन्सर्ट्स हाँ हाँ कॉन्सर्ट बात भी करनी है दिलजीत का कॉन्सर्ट हाँ। टिकट्स नहीं मिल रही है टिकट्स है यह आ रहा है कभी कभी कि सिनेमा हॉल में टिकट्स फुल होते हैं सब पे पी है अच्छा ये भी तुम इंटरेस्टिंग बात हम कर रहे थे ना ये जो टिकट कई बार हम जाते हैं बुक माई शो मतलब कहीं पे भी जाते हैं कोई ऐप पे जाके हम देखते हैं तो टिकट्स बहुत सारी सोल्ड आउट दिखती है फिलिंग फास्ट, फास्ट, ये सब दिखता है बट थिएटर में जाके देखो तो इतनी भीड़ नहीं रहती तो ये भी क्या पीआर का कुछ हिस्सा है ये भी ऐसा ये कुछ होता होता है 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 प्रॉपर पीआर का हिस्सा अच्छा कभी कभी क्या फर्स्ट डे कोई मूवी का होता है ना हाँ तो जो मूवी जिसकी आ रही है मतलब जिसकी मूवी की प्रोडक्शन हाउस है वो प्रोडक्शन खुद ही सारा ले लेता है टिकट अच्छा कि जिससे इंडिया में यो फर्स्ट डे हाँ हंड्रेड जो कहते हैं सोल्ड आउट

अच्छा। कि उन्होंने खुद नहीं टिकट लेके दे दिया खुद नहीं, 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 नहीं कि कि टिकट हाइप है।, है, कभी कभी है उल्टी क्या बंदा खुद अपनी चीजें लेके अपने लोगों को जो तो ब्लैक वाले उनका कुछ कर नहीं सकते जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप था ठीक है हाँ, पीआर पार्टनर हमीद है आईसीसी वर्ल्ड कप के अच्छा तो

कि प्लीज किसी ब्लाइंड फेथ मत करो किसी को अपना भगवान मत बनाओ ये एक्टर मेरा भगवान इसके लिए मैं ये नहीं है कि कभी कभी लोग अपना आइडल बना लेते हैं उसको कि ये भाई मैं कहता तो हूं मत बनाओ आप कहने खुद दो आपके घर वाले हैं उनको बनाओ राइट right. ये, ये यंगस्टर्स को आई थिंक ये वाला मैसेज जाना बहुत जरूरी है बिकॉज अभी तो खैर कम भी हो रहा है मुझे लगता है इंडिया में ये बहुत कल्चर है हम इतना आइडियलाइज कर लेते हैं ना कुछ लोगों को ऐसा भगवान मानने लग जाते हैं वो लोगों बट आई थिंक उसके पीछे पीआर बहुत बड़ा हिस्सा रहता है right? वो रहता भी है मैं और मैं बहुत मना करता हूँ ये चीज़ की कि आप किसी को इतना मत इतना मत चढ़ाओ उसको इतना मत चढ़ाओ कि वो बंदा फिर आप उसको इतना कर रहे हो देखो हमेशा हर बंदे को अपना उसको है ना मिरर के ऊपर उसका चेहरा दिखाना जरूरी है वो कैसा है आज आपको पर्दे के पीछे ये चीज़ें नहीं पता मैं भी यहाँ पे इतना बो रहा हूँ बट मेरे पीछे क्या क्या पता आपको कोई भी सीधा नहीं है बट मेरे ये है कि आप उसको इतना हाई लेवल आइडियोलॉजी मतलब कहते हैं आइडियोलॉजी वाला पर्सन उसको अपना आइडल बनाना ये मत करो हर बंदे को एडमायर करो एडमायर करना जरूरी है अप्रीशियट करना जरूरी है इंस्पायर होना जरूरी है उसको भगवान बनाना फिर आप घर में उसके वो चीज़ें चल रही है आज पेरेंट्स के परेशान होते हैं कोई बंदा बोल के बैठ जाता है मुझे ये करना मुझे वो करना ये ये तो आप मुझे उसको देख के वो करना हाइप होती है फैन सब होते हैं बट फैन बनना एक फैन होने में और फैन जैसा रहने में फर्क है राइट right. अच्छा अभी हमने इतने सारे अलग अलग पी आर के उनके बारे में बात किया right राइट <laughs> 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 मतलब सही फील्ड में आपको ये बोलूंगा आप करते रहो हाई लेवल करते रहो बस इसको कि देखो पॉडकास्ट अभी सबसे बड़ा पीआर का फील्ड है आज आप देखो हर सेलिब्रिटी पॉडकास्ट उतर है पॉलिटिकल लोग भी पॉडकास्ट कर रहे हैं कोई कर रहे कंटेंट क्रिएटर्स पॉडकास्ट कर रहे हैं बिजनेस अच्छा, <laughs> हर बंदा कर रहा है क्योंकि पता है कि ये ना। करना मना नहीं है मैं अच्छा लग रहा। आज आपको भी अच्छा लग रहा होगा इंडस्ट्री ग्रो हो रही है अच्छा है। आज वैल्यू मालूम पड़ रही है मेरे हिसाब से बोलूंगा सबसे बड़ा फील्ड पॉडकास्ट हो गया अभी तो और ये मार्केट अभी मैं कह रहा हूँ अभी पाँच साल तक हाई लेवल पर रहेगा ओके okay, तो अभी क्या ध्यान देना चाहिए एज एम जितने भी पॉडकास्टर क्रिएटर्स हैं उनको इस चीज़ में क्या ध्यान देना चाहिए अगर अपने आपको सही लेवल आगे तक लेके जाना है तो मैं यही बोलूंगा लाइक अभी मैं एटी परसेंट से नाइन्टी परसेंट लोगों का पॉडकास्टर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर रहे हैं मैं यही बोलूंगा अच्छे गेस्ट आप लेके आओ जैसे आप लेके आ रहे हो ऐसे लोगों को भी लेके आओ जो अलग अलग नीच के लोग हो जो ऐसा नहीं करिए अगर कोई पॉडकास्ट ऐसे भी है मैंने देखा है थोड़े छोटे लेवल पर वो सिर्फ पेड़ ही देखते हैं पैसा कमाने पैसा कमाने का जिक्र मत करो आज आप ये देखो आप किससे क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो जो आप लोग कर रहे हो रणवीर भाई कर रहे हैं बहुत अच्छे लेवल पे कि क्या वैल्यू ऐड मिल रही है लोगों को आज मतलब लोग आपका वेट करे कब इनका एपिसोड आने वाला है आज कोई नई चीज़ सीखने को मिल रही है नई चीज़ एडमायर करने को मिल रही है तो मेरे ये है कि आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन और अच्छा करो कैसे एडिटिंग को हाई लेवल कर सकते हो लोग ढंग से देखें माइक जैसे अच्छे से कुछ लोग तो आईफोन लगा के भी कर रहे हैं गलत नहीं है वो बजट का अकॉर्डिंग बट मेरे ये कि करो तो भी ढंग से करो आप उस चीज़ को आप उसको ऐसे पूजा जैसे करो एकदम कि उसको इतना कहते हैं ना प्यार करते हुए जब किसी चीज को प्यार करते हुए आप करते हो ना मजा आता है और मतलब ये अभी जैसे कि भाई ने बोल दिया कि पॉडकास्ट सबसे बेस्ट है इसीलिए पॉडकास्ट मत करो अगर आपको जेनवन लोगों से मिलना पसंद है बातें करना पसंद है वो आप देने के लिए तैयार हो एफर्ट्स तो फिर करो क्योंकि कई बार लोग कहते हैं ये सबसे बेस्ट तरीका है तो चलो इससे कमाते हैं और भी दूसरे तरीके होंगे अगर अगर आप रेजोनेट कर सकते

और अब वो तो समझ में आ रहा है कि पॉडकास्ट इतना पावरफुल है तो अच्छा ही किया था बट मेरा यही रीज़न था कि अच्छे लोगों से मिलूंगा सीखने मिलेगा मेरे को खुद को कितना सीखने मिलेगा प्लस मेरी नेटवर्क नेटवर्क बनते रहेगी प्लस मेरा पर्सनल ब्रांड बनता रहेगा धीरे 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 लोग मुझे जानते रहेंगे बिकॉज सीकेन एक चैनल है जो ज़्यादा मैंने बुक्स से रिलेटेड रखा है बुक्स हमारी चैनल ज़्यादा रखा तो उसका हीरो बुक है वहाँ पर मैं हीरो नहीं बनना चाहता हूँ बट यहाँ पे है कि मेरे नाम एक कहीं ना कहीं पर्सनल ब्रांडिंग होती रहेगी जो काफ़ी लॉन्ग रन में मुझे इंपॉर्ट हेल्प करेगी करेगी राइट अच्छा अब आपके जो पूरी स्टार्ट किए बीकानेर साहब आप आए आपने आ, पी अपनी एजेंसी बना दी है एशियास नंबर वन बन चुकी है और अभी 109 लोग हैं टोटल तो ये पूरी जर्नी में सबसे बिगेस्ट हर्डल्स और क्या चैलेंजेस आए थे या कुछ ऐसी कहानियाँ दिलचस्प कहानियाँ जो भी क्योंकि आई थिंक ये जो इंडस्ट्री आपकी है वो थोड़ी काफी काफी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है <laughs> तो जरा बुरा भी हो सकता है बहुत अच्छा <laughs> भी हो सकता है एक बात आपने बहुत मन की बात ले ली हाँ हाँ ये तो होता ही है आपको मतलब कहते हैं ना मैं कह रहा हूँ अगर आप में गट्स हाई लेवल है

मैंने उनको आठ क्लाइंट दिए उनको मैंने लगभग अच्छा अमाउंट दिया ठीक है बड़ा होगा तो अच्छा अमाउंट देंगे तो वो बंदे बोले कि ठीक है ना अवार्ड है मे में हुआ नहीं क्लाइंट रिफंड मांगने लगे कि हुआ क्यों नहीं कि नहीं उन्होंने बोला कि नहीं और क्लाइंट्स वेट भी कर रहे थे क्योंकि इतना तो बड़ा अवार्ड हमको अपॉर्चुनिटी से अगस्त आया ये अगस्त था उन लोगों ने मुझे अटका के रखा फिर कैंसिल हुआ और सेवेंटी पैसा मैंने मेरे जेब से दिया है और वो बंदा कह रहा है मैं आपको दे रहा हूँ कभी मुझे कहता ना जैसे एग्जाम्पल सौ की चीज़ है ठीक है वो मुझे एक एक रुपए करके दे रहा है अब मैं क्या करूंगा इससे मैं तो सौ में से अस्सी रुपए तो मैंने दे दिए मेजे से तो रुपए चले गए और आ, आज हम कंपनी ऐसे इस लेवल पे नहीं है आज कंपनी के बाद अच्छा रन भी होता है सब कुछ होता है कंपनी हम उस ग्रैंड लेवल पे थोड़ी कि हमारा खुद का प्रॉफिट इतना कम है ऑलरेडी हम इस लेवल पर मार्जिन इतना कम है कि ना हम उनको कितने अपने जेब से दे पैसा आप एक हद तक अपने जेब से पैसा दे सकते हो मतलब रिस्क भी है इस इंडस्ट्री बहुत रिस्क है। है। बहुत रिस्क है।, मतलब मैं ये कह रहा ट्रस्ट लोग बहुत जरूरी। ट्रस्ट, ट्रस्ट वर्दी उनका ट्रस्ट लेना बहुत रिस्क है बहुत रिस्क है मैं क्या कह रहा हूँ आपका हार्ट सी होना जरूरी है इसमें आने के लिए आपका बहुत अपने कैपेसिटी होनी चाहिए देखो मैं तो बहुत यंग एज में आ गया

Okay. मैं ऐसा नहीं तो मैं ऐसा करा दूंगा कुछ लोग केस करने की के धमकी दे देते दे हैं कुछ मेरा रोल नहीं है मैं बहुत दूर रहता हूँ कॉन्ट्रवर्सी से मैं बॉलीवुड की पार्टीज में नहीं जाता मैं कहीं कॉन्ट्रवर्सी से दूर रहता हूँ मैं बहुत दूर रहता हूँ इन चीज़ों से फिर भी एक बार कोई चीज़ होती बंदा कहता तो मैं आप, आपको ये कर दो फिर मैंने बोला मैं कहा आप यहाँ बैठे हो ये करो फिर मुझे मेरे पास भी आपके साथ सब चीज़ है गलती उसकी थी नहीं आपको कैसे पता मैं मैं भी तो पीआर का बंदा हो ना मुझे भी तो पता ही यही अब क्या हो तो धमकिया भी मिलती है आपको आपको बस इग्नोर करना है सब चीज़ों को मेहनत करते रहनी है मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करता हूँ इतना जर्नी में बहुत अडस है सबसे पहले एक चीज़ ये बोलूँगा कि सुनो सबकी करो मन की बहुत लोग ज्ञान देंगे मैं मम्मी को भी मैं भैया को भी बोलता ये क्या कर रहा है स्टिल आप शॉक्ड हो जाओगे पता नहीं मैं दोस्त जैसे जैसे शायद जिशन भी आप भी इस बात को रिलेट करोगे जैसे जैसे ग्रो करो आपके दोस्त टूटना चालू होंगे आपकी थिंकिंग बदलती रहती है आप थिंकिंग बदलती रहती है और आपके लोग आपकी थिंकिंग अच्छा इसमें ईगो आ रहा है इसमें ये आ रहा है भाई ईगो नहीं आ रहा उसको अपनी अपनी ना अपना मिशन दिख गया है जब से जब होता है फिल्टर होते रहेंगे फिर कुछ आपके लोग इंपॉर्टेंट रह जाएंगे कि अच्छा ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड है ये मेरा ये आप फिर फिल्टर करते हो मेरे साथ ये हुआ है आज मैं देखो तो मेरे बेस बेस्ट एकदम कहता बेस्ट फ्रेंड मेरे गिनती के चार पाँच है जिनसे मैं बात करता हूँ मैं किसी से भी बात नहीं करता दोस्त तो मेरे है ही नहीं डिक्शनरी में भाई बनाता हूँ मैं तो हमेशा भाई हैं बहन है बेस्ट फ्रेंड मेरे तीन चार है बस और कोई नहीं है क्योंकि देखो उल्टा मुझे कहते लोग कहते सही भी है ये चीज़ आप जैसे फ़िल्टर करते रहोगे आपकी चीज़ें फिल्टर होती रहेगी अब मैं ना काफ़ी इंस्टाग्राम में मुझे डीएम्स करते हैं आपको भी करते हो अब टाइम नहीं मिलता रिप्लाई करने का तो लोग फिर बोलते हैं अच्छा ईगो आ गया क्या ये तो रिप्लाई नहीं करता ये तो ऐसे नहीं करता वैसे नहीं करता तो मैं ये बोलूँगा लोगों की सुनो मत आप बहुत लोग बोलेंगे जब जिस अगर आप कोई छोटे शहर से आते हो टिकट थ्री से वहाँ लोग ज़्यादा बोलिंग करेंगे आपकी अब जब सक्सेस करता हो तब लोग लोग नहीं करेंगे अब उल्टा हो गया सक्सेस होने लोग ज़्यादा करते हैं <laughs> <बुली> है। <laughs> अच्छा, इस टॉप तो आप ऊपर जाते हो तो अकेला अकेला होते रहते हो आप खैर ये तो चलो थोड़ा सा नेगेटिव बातें हो गई थी आई थिंक वो थोड़ा पॉजिटिव भी पीआर के बताओ जो आपको लगता है सबसे बेस्ट बेस्ट चीज़ें कुछ बेस्ट एक्सपीरियंस आपने इस इंडस्ट्री में जो एक्सपीरियंस किया

कि मुझे विराट कोहली से मिलना है तो मैं से मिला। हुँ, हुँ, हुँ। फोटो नहीं ले पाया मतलब मतलब इतना भी गैप नहीं था, इतना गैप था जितना मैं, 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 मतलब मैं विराट कोहली <laughs> किसका ड्रीम नहीं होता हा, हा। मैं मिला और मुझे ये था कि मुझे कोई बॉलीवुड का काम करना है मुझे मतलब श्रद्धा कपूर का मुझे एक्टिंग और बहुत अच्छी लगती थी मुझे उनसे मिलना है ना मैं श्रद्धा कपूर से मिला क्या 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 स्टोरी थी लाइक वाली भी बता दो थोड़ा सा मैं ना के उस पे गया था मैं हाँ हाँ। में हाँ हाँ। तो मैं अच्छा। फोटो मैंने तो तो बहुत लोगों का मिलना उनके साथ मैं बतलब, काम कर रहा हूँ स्त्री के सक्सेस में तो मतलब तुम्हारा भी कुछ रोल है मतलब कुछ में ऐसा ये है कि लाइक मुझे जिन लोगों से मिलना था लाइक मैं एक नाम लूंगा सबसे बड़ा कि रणवीर अलावादे भाई तो मेरा बहुत था कि मुझे ना रणवीर भाई के साथ काम करना है मतलब कि लाइक मैं देखता रहता था आदमी तो मैं उनके साथ फुटबॉल खेलने जाता हूँ वो चीज़ आपको आप इस इंडस्ट्री में पॉजिटिव चीज़ भी मिलता है आपको एक अच्छा नेटवर्क बनता है आप अच्छे से लोगों से कनेक्ट होते हो कॉमेडियन भारती सिंह उनके थ्रू मैं उनसे मिल रहा हूँ काफ़ी ऐसे ऐसे लोग हैं आज मतलब जो लोगों के आइडल्स हैं कभी कभी खुद को ऐसा प्राउड कभी मुझे मेरे काम पे नहीं होता लोग लो कहते करो कभी भी होता है कि अरे यार कभी देखते ना कि मेरे सामने उस बंदे के इतने फैंस आ रहे हैं और ये बंदा मेरे पास यार आठ आठ घंटे बैठता है कभी कभी होता है ये चीज़ कि आज ये जैसे एग्जाम्पल अरुण पंडित भैया हैं तो अरुण पंडित भैया के तो आपको पता है किस लेवल पर वो इंडिया के सबसे बड़े ब्रांड है एस्ट्रोलॉजी में तो उनके पास मतलब लोग ना इतना उनको एडमायर करते हैं सब कुछ करते हैं और हम लोग इतने मस्ती से बातें करते हैं हम एक भी बिजनेस की बातें नहीं करते मस्ती अरे और भैया कैसे क्या वो तो लगता है यार जो इंसान का इतना फैन फॉलोइंग है अभी की बात अभी तो आपने बोला ना क्या इंसिडेंट हुआ वो अरबन में पापा मुंबई आते हैं उन्हें कोई काम वाम मैंने करवाया मैं आप मानोगे नहीं कि मैं गया था दिल्ली उनके ऑफिस ऑफिस गया था इतना बड़ा फ्लोर 120 लोगों की टीम काम कर रही थी अच्छा मैं यार क्या है मैं जो आदमी पास नॉर्मल मेरे पास बैठा था उसको इतना बड़ा ऑफिस इत, इस लेवल पे वो कर रहे हैं उसको लोग इतना कर रहे हैं एडमायर उनका टाइम नहीं और मेरे पास आ कितने इतना देर तक तो बैठते हैं प्राउड भी लगा ये भी लगा क्या वो बंदा मतलब और रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा है कहते हैं ना नाइनटी नाइन और बढ़ गई कि मुझे इतना ज़्यादा वो मेरे लिए कर रहे हैं वो मुझे इतना मेरे पास बैठते हैं अभी हम दो, दोनों अभी दुबई दो टूर पे जा रहे हैं अच्छा <laughs> साथ में जा रहे हैं तो मतलब एक वो है क्या मतलब इस काम ने आपको बहुत चीज सिखाई है इस काम ने मुझे नेटवर्क बना सीखा है मुझसे है, है। right? तो हाँ, तो? हर बंदा पूछता है ये चीज की आप नेटवर्किंग कैसे कर सकते आज लोग इंस्टाग्राम पर देखते ही है किस किस से मिल रहे हैं क्या मेरे ये क्या नेटवर्किंग करने का आप इवेंट्स में जाना चालू करो कोई इवेंट्स हो रहे वहां जाना चालू करो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी को से मत जाने दो मैंने हमेशा यही किया है कुछ भी इवेंट होता तो मैं वहाँ पे जाता था कोई भी इवेंट हाँ और मुझे ये बिजनेस इवेंट्स पसंद नहीं है अच्छा <laughs> <laughs> क्यों हो, क्यों ऐसा क्यों मुझे ये लगता है मैं आपको बताता हूँ आज ये चीज बहुत लोग मुझे बोलते हैं आज है ना लाइक ऐसे काफी कोचेज है जो बोलता हमारे इवेंट्स में आओ बैठो आपके लिए फ्री में मैं कहा तो मुझे बैठना ही नहीं है मुझे जो जो चीज़ मैं मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है मेरे घर वालों को भी पता है ये चीज जो चीज़ मेरे काम की नहीं मैं कभी मेरे दिमाग नहीं डालता अगर आप मुझे जबरदस्ती मुझे लाख रुपये देकर बैठा तो तब मैं मैं नहीं बैठूंगा जो मेरे काम की चीज नहीं है अब मुझे है ये जो कोचिंग मुझे सिखा रहे हो मेरे काम की नहीं है मेरा काम ही नहीं है उल्टा मुझे तो आप लोगों को और ग्रो करवाना है तो आप मुझे उल्टा वो बोलो तो मैं सीखूंगा मुझे क्यों सीखनी मैं पी आर के भी कोई इतने इवेंट्स में जाता ही नहीं किसी पे भी। मुझे मेरे काम में भरोसा है कि मैं अभी जो कर रहा हूँ मेरे सबसे में प्रैक्टिकल करना ज्यादा चीजें है आप किसी सीखोगे सीखना चाहिए बट अब आप है ना मतलब प्रैक्टिकल जितना खाओगे ना थप्पड़ जितनी नहीं ज़्यादा कुछ नहीं होगा राइट राइट नहीं तो कैसा सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी

अनुभविया को मैंने रिप्लाई किया मुझे दिया, ऐसे का <laughs> एक पे का था <laughs> मैं, आज मुझे को करता, मैं भी करने की hmm. आप भी देखो इंसान आज, आज से मिला उन्होंने मुझे मनीष से मिलाया मनीष ने कितना बड़ा नेटवर्क बनाया तो आप एक बंदे बनाओ हम लोग क्या करते हैं मल्टीपल जगह भागते हैं मुझे इससे मिलना है मुझे उससे मिलना है भगवान अपना मिला देगा सब चीजों से आज मेरा ये था मुझे ना

छोटा सा सेक्शन छोटा या बहुत बड़ा है, हर जगह होता पेड़ है के लिए और और के लिए लिए और ऑर्गेनिक दोनों ऐसा सब, सब हाँ। जगह होता है तो मेरा वो अवार्ड बड़ा था मैं कहीं जाता भी नहीं हूँ ये ना कि मुझे पता भी मेहनत करने की मेरी उम्र है ट्वेंटी थ्री का तो हूँ बहुत बड़ी लाइफ है ट्वेंटी सिक्स तक ट्वेंटी सेवन तक एकदम बूम तक काम करना है फिर एक कह रहा कि यह सब चीज़ ऑटोमेट हो गई लोग कहते हैं मुझे बहुत मुझे बहुत लोग ध्यान देते हैं ऑटोमेट करो खुद भागो मत मैं कहा मुझे भागना है मुझे मजा आ रहा है परेशान होता हूँ मैं फ्रस्ट्रेशन फ्रस्टेट भी मैं होता हूँ बट मुझे भागने में मुझे मज़ा आ रहा है हर चीज में मेरे से करने में मुझे मजा आता है मैं सीख भी रहा चीजें राइट वो सबसे मजा आता रहना चाहिए जब तक तो मजा आ रहा है तो फिर वो मेहनत मेहनत इतनी और थी। थी। ये फिर बहुत एक्साइटेड आपको पता है आपको हर दिन यही चीज सीखने को तो मिलता है आज आपने एक नई डिमांड करी कि मुझे ऐसा चाहिए उसके मैं भागूंगा अच्छा। तो आपको मजा भी आ रहा है की आज आप देखो कि आप है ना पॉलिटिकल लोगों के साथ काम कर रहे हो क्रिकेटर्स के साथ काम कर रहे हो बॉलीवुड के साथ कंटेंट क्रिएटर्स के साथ एक्टर एक्ट्रेस के साथ आप डायरेक्टर्स के साथ म्यूजिक आप बिजनेसमैन ऑन्टरप्रीनर्स हर बड़े टाइकून के साथ काम कर रहे हो आज कहीं जाते तो कभी कभी आई ऑफिसर आपके लिए खड़े हो जाते हैं

पी क्या होता है ब्रांडिंग के बारे में क्या क्या आप पढ़ सकते हो उस उसके बारे में मैंने बताया हुआ है अब मेरा ये है कि जल्दी से डेट्स ब्रांडेड के नाम से एक कहते हैं ना कोर्स हम निकाले कुछ भी करें हम बहुत जल्दी काम कर बट मेरा मन है फरवरी मार्च तक अभी नहीं अभी हम हमारा कोर नहीं छोड़ सकते ये चीज मुझे पता है बहुत डिमांड है पीआर की लोगों को सीखना है लोग पागल हो रहे कि हमको बताओ पीआर क्या होता बो, है बोड़ अभी तक, लोग वही मैं बोल मैक्सिमम तो पता ही नहीं है तो पता, पता चलेगा चले तो मार्केट कितना और बड़ा हो जाएगा बहुत बड़ा मार्केट मुझे पता है कोर्स भी हम लोग निकालेंगे तो लोग लेंगे आज एक अमाउंट कितना महंगा रखो लोग लेंगे राइट वैल्यू है ना देने के लिए इसलिए अगर ब्रांडेड की बात करें शॉर्ट में बता सकते हो ब्रांडिंग क्या होती है उसको अगर तुमने पूरी बुक लिखी है उसके बारे में तो शॉर्ट में ब्रांड एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे ब्रांड बनता है ब्रांड कैसे बनता है ब्रांड होता क्या, क्या है ये भी कई बार लोगों के दिमाग में मतलब लोगों को पता नहीं होता ब्रांडिंग मार्केटिंग दोनों में डिफरेंस क्या है मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ देखो मार्केटिंग और ब्रांडिंग में अंतर होता है मार्केटिंग वो होती है जिसमें आप पैसा लगाते हो और वहाँ पे आर जनरेट करने का वापस देखते हो रो कितनी जनरेट हो रही है मुझे मार्केट मैं आपको दो वे में समझाता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग आपने पैसा लगाया आपने एड्स रन किए पोस्ट कर रहे हो आपने तो उसको कहते हैं मार्केटिंग कि आप जा जाके बोल रहे हो कि दो, सेल कर रहे हो कि देखो ये चीज है बता रहे हो कि मैं हूँ मेरा प्रोडक्ट है सेल ब्रांडिंग वो होते हो तो आप, बत, आप बताते हो कि मैं हूँ अब देख लो जो आप, आपके ऊपर ये मैं 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 पे मुझे लो मुझे लो मुझे लो आप सेल कर रहे हो ब्रांडिंग मीन्स आप अपना खुद का ब्रांड तैयार कर रहे हो और आप लोग आपको देख रहे हैं आप लोगों तो पूरी दुनिया को अपना आपने एक शॉप है आपने अपना प्रोडक्ट को शो कर दिया कि आपको लेना तो लो वहाँ सेल्स नहीं है इधर सेल्स है जो सेल कर रहा है इधर सेल्स नहीं है और, जो और इंडिया के अंदर ये चीज़ है इन डायरेक्ट वे में लोगों को ज़्यादा समझ आता है

कुछ दो तीन तरीके हैं जो यूज़ कर सकते हैं जैसे कि एक पॉडकास्ट है एक तो आप अपना ब्रांड बना सकते हो लोगों के पॉडकास्ट में जाके खुद भी करके कहीं ना कहीं बनता एक चीज़ और है आप सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने नेटवर्क का फायदा उठाना आपको भी मैं ये चीज़ बोलूंगा कोई भी बंदा हो आज की तारीख में जिससे जितना ज़्यादा लोगों से कॉल करोगे रील पे अब जैसे इंस्टाग्राम चला भी इंस्टाग्राम जितना लोगों से कॉल करोगे तो दोनों के ऑडियंस शेयर हो रही है पॉडकास्ट का लोग क्यों कर रहे हैं पॉडकास्ट जब मेन लोगों की डिमांड आपके साथ भी रील की रहती होगी जीशान भैया रील कॉल कर देना रिक्वेस्ट भेजिए नहीं भेजिए अपने <laughs> लोगों को ये हाइप रहती है माइंड में क्यों क्योंकि क्यों वो चाहते हैं जल्दी से ऑडियंस ट्रैफिक आए तो मैं मेरा हमेशा से यही है कि आप जितना ज़्यादा कॉलअप कर पाओ और अकेले मत भागो साथ साथ में कॉलअप करो अगर मुझे आपने बोला कि मेरी मार्केटिंग अच्छी मैं बोला मेरी ब्रांडिंग अच्छी लाओ अपन दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं आप अगर कोई क्लाइंट है तो मुझे भी दो ये हो गया साथ में मिलकर काम कि दो हाथ मिलाओ अकेले मत भागो कि मुझे इसके तरह करना तो मैं ऐसा कर लूँगा कि दुनिया साथ में मिल है आप जितना ज़्यादा अपना नेटवर्क बनाओगे उतना आपको वो काम सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा अकेले कहता है मास्टर जेकॉफन जो कहता मुझे सब कुछ आता है मैं मार्केटिंग आज मैं बोलूँ क्या मुझे पॉडकास्ट करना जीशान भाई जैसा आपको लगता है मैं कर पाऊँगा नहीं उसमें आप बेस्ट मैं नहीं हूँ मेरा काम ब्रांडिंग करना है आप सकते क्या नहीं मुझे, मुझे, मुझे। जैसे पीआर कंपनी नहीं खोल पाओगे नहीं, नहीं पाइट right. जो बंदा अपने हर चीज के लिए बेस्ट है मैंने ना एक कोर्ड सुना था इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है यू कैन डू एनीथिंग यू वांट बट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग यू वांट यस और ये भी अच्छा है कि तुमने कोलाब्रेशन ये जो हुई बात बता बहुत पावरफुल है कोलेबरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में जब हम यंग होते है, हम हैं यूजली हमें लगता है कि हम कर लेंगे हम कर लेंगे हम सब कर लेंगे बट आप नहीं कर पाओगे सब और कर भी लोगे तो उतना अच्छा नहीं कर पाओगे जितना पाँच लोग मिलकर कर सकते हैं या फिर दो लोग भी इवन मिल ये भी चीज़ मैंने ना बोले एक और एक दो नहीं होते हैं एक बार एक ग्यारह होता है और सच बात है एक और एक यारा ही निकलता है अपना दो लोग जब मिल काम करते हैं तो इतना सारा चीजें इतनी अलग अलग पॉसिबिलिटीज खुल जाती है जो पता भी नहीं रहती है, आप अकेले सोचते रहते हो खुद तो ये तो कम्प्लीटली एग्री विद दिस और अगर मैं तुमसे पूछू अपने पूरे जितने भी तीन चार चार साल का एक्सपीरियंस है तो उसमें सबसे टॉप थ्री लेसन जो तुमने सीखे हैं या टॉप एक लेसन भी हो सकता है जो तुमने सीखा जो सबसे पावरफुल है सबसे पहले ये हार नहीं माना कभी हार कभी नहीं मानी है आज तक स्टिल अभी यहाँ बैठा हूँ तो अभी कुछ ना कोई पीछे कुछ लॉस भी होगा कुछ भी होगा हार कभी नहीं मानी है क्योंकि मैंने मेरी मम्मी को देखा ना मम्मी ने फादर के देथ के बाद हार नहीं मानी तो मैं क्या हार मान सकता हूँ तो हार कभी नहीं मानी क्योंकि कुछ भी हो जाए कुछ भी हो बट मुझे काम नहीं छोड़ना आ लोग ये चीज़ फिर छोड़ के भाग जाते हैं दो बार मेरे, मेरे दो बार मेरे साथ बहुत अपस अप एंड डाउन है बहुत हाई लेवल एक बार ऐसे ही हो गया था एक बार एक बार बीच में हुआ था दो साल पहले क्या ये क्या हो गया क्या हो गया मतलब मेरे साथ ऐसा क्या हुआ लाइक मेरे साथ क्या हुआ था लाइक ऐसा पीरियड था कि ना मुझे ऐसा लगा मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ गलती ही हो रही थी कि मैं मेरे बि बिजनेस को खुद कहता ना लाइक ध्यान इतना हाई लेवल नहीं दे पा रहा था कहीं ना कहीं माइंड इधर उधर हो रहा था माइंड इधर उधर कि और पैसा कैसे कमाऊँ और कैसे कमाऊँ और क्या वो चीज़ मेरे अंदर हो गई थी और कहते ना थोड़ा मैं तो अच्छा कर रहा हूँ मैं बेस्ट हूँ वो थोड़ा होने लगा जब खुद में आप में आ जाता ना थोड़ा बहुत भी वन कि मैं बेस्ट हूँ तब भगवान आपको एक सेकंड गिराता है तो मैं गिरा भी नहीं मैं वहाँ पर बाउंस बैक किया कि ना नहीं मैं बेस्ट कर पाऊंगा और अच्छा और अच्छा कर पाऊँगा हार कभी नहीं मानी इस पूरे लाइफ में सबसे बड़ा मेरे लेसन ये था कि हार नहीं माननी आपको आपको अपना हड अपना दिल बहुत मजबूत रखना है चीज़ें चलती रहेगी आपको करो कहते ना सुनो सबकी करो मन की जो आपके मन में उसको एग्जीक्यूट कर दो मेरा हमेशा से ये नहीं रहा कि अच्छा ये दिमाग में आइडिया आ रहा है करूँ या नहीं करूँ मैं कर डालता हूँ क्या वो गलती ही तो होगा कोई मुझे कहते ना फांसी तो नहीं चढ़ाने वाला ना मुझे क्या गलती भी मुझसे ही होगी उसको एग्जीक्यूट उसको सुधारूंगा मैं मैं ही

बार कोड मुझे पैसा चाहिए था इसके लिए मैंने हार नहीं मानी मैं मेरी बर्गमैन गाड़ी में बार कोड लगाने जा रहा हूँ मुझे फर्क ही नहीं पड़ता मैं क्या लोग देखेंगे आज भी कुछ बोलोगे ना कि कहना मेहुल भाई अपने यहाँ पे नॉर्मल कहीं कुछ काम करते हैं या कुछ ऐसे मैं कर लूँगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप बोलोगे अभी भी स्टिल मुझे कोई सेल करके आनी है मैं कर सकता हूँ मैं जाऊँगा आप बोलोगे जाना है खुला लोकल ट्रेन पकड़नी है जाना मैं चला जाऊँगा फ्लेक्सिबिलिटी है तो मैं मेरे में बहुत है आप आप मुझे बोलोगे देखो ऐसे जाना मैं ऐसे चला जाऊँगा आप बोलो मुझे ऐसे मैं कर लूँगा मैं मेरे काम के लिए वो हूँ काम के प्रति मैंने मैंने काम को बहुत प्रायोरिटी में रखा है बहुत प्रायोरिटी में रखा कभी मैं उसके है मैं, मैं इन फ्यूचर कोई आएगा भी भी मेरा जो इन फ्यूचर जो होगी उसको मैंने बोला काम पहले प्रायोरिटी पे है वो नो शी नो उसको पता होगा ये चीज की नहीं घर वालों को मैं ये बोलता हूँ कि मेरे काम पहले प्रायोरिटी पे है अभी मुझे पता नहीं ही है कि अभी हम लोगों ने हमारी नीड पूरी करी है हमारे अपने मम्मा को घर दिया है hmm. अब हमारे ड्रीम्स पूरे होंगे अच्छा कैसा लग रहा है

और वो चीज पूरी हो गई है और जो पूरी मेहनत हो वो सफल हो गई मेहनत मतलब सही डायरेक्शन में तो बस ये really, चीज़ रियली प्राउड ऑफ यू क्योंकि कई सारे लोगों ये चीज समझ नहीं पाते कि घर भी कितना कुछ लोगों के लिए बहुत इम्पोर्ट मैं इमोशनली मैं अपने घर से बहुत अटैच था मतलब मुझे घर लेना था और जब घर लिया तो वो एक अलग सेंस ऑफ प्राउड भी नहीं मतलब अच्छा लगता है मतलब इट 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 फील्स 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 गुड 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 कि अपना खुद का अच्छा घर है जहां पे हम हम मतलब लोगों को लेके जा सके अच्छे पक्का मैं करना मैं मैं करना आओ आपको होस्ट करते हैं खुद मुंबई रहता हूँ बट आप आओ आपको बहुत प्यारा होस्ट करेंगे आपको बहुत मजा आएगा राजस्थान में लोग बहुत प्यार देते हैं ये भी चीज है हॉस्पिटैलिटी बहुत मैं खुद मिस करता हूँ अब मैं मुंबई रहने लग गया मतलब मुझे बहुत टाइम हो गया अभी के मैं कभी एक दिन तो प्रॉपर गए मुझे भी खुद मिस करता हूँ वहाँ की चीजें कि एक सुकून आपको कहीं ना कहीं आप इतना काम कर रहे हो तो ऐसी मुंबई की लाइफ तो वैसी इतनी तो जो इंडस्ट्री में वो भी बहुत अरे मुझे बहुत लोग बोलते हैं देखो आपके जो आस पास वाले होते हैं ना आपको ज्ञान बहुत देते हैं <laughs> क्लोज लोग भी देंगे जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं hmm. कि ना आपको तो ना काम डेलीगेट करना चाहिए आपको तो ना सिस्टम करना चाहिए ऑटोमेट करना चाहिए करना चाहिए वो तो कहाँ तो से कर में तो कभी भी ग्यारह बजे कॉल आ सकता है आज ईशान भाई

तुम्हारे हिसाब से कौन इंडस्ट्री में पीआर का गेम भाई। <laughs> भाई। उर्फी जो है, बहुत लोग हैं। अब कुछ का नाम नहीं ले सकते कि देखो, वो देख के और बोलना था पच्चीस लाख रुपए दो मुझे नाम लेने का तो बहुत अच्छा गेम खेला उन्होंने बिजनेस अपना क्रिएट किया उर्फी जावेद ने अपना शो क्रिएट किया एमेजोन के ऊपर उन्होंने उनपे रोस्ट करते थे पैसा भी बना लिया <laughs> तो ये चीज मुझे अच्छी लगती है कि आप देखो अच्छा गेम लोग बहुत खेल रहे हैं कुछ का अपन नाम नहीं ले सकते मतलब बहुत लोग कर रहे हैं क्रिकेटर पी करते हैं अपनी कहते हैं ना नाम नहीं ले सकता मैं बहुत बड़े अपने, अपने वर्ल्ड कप विनिंग में से कोई है नॉट विराट कोहली एक और है जिनकी कंपनी बहुत हाई लेवल पे फोकस अगर वो पॉडकास्ट होने हुई तो अभी अपने पे केस कर देगी अच्छा अब भी केस कर देगी उस बंदे का नाम ले लेता हूँ मैंने इस लेवल पे पीआर लोग कर अच्छा रहे काफी अच्छा लेकिन क्रिकेटर है कोई

अच्छा। स्टिल अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ कि तो मैं खुद ही हुआ। हुआ, बात हो था अभी कुछ ऐसे होता है कुछ क्लाइंट से सा मेरे साथ तो नहीं होता क्लाइंट से हो हो, मैंने उसका नाम लिया पॉडकास्ट वालों के साथ ज्यादा हो रहा है दो लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं अब एक बंदा बोलता है मैं मेरा एड रन करूंगा पॉडकास्ट पे अब आप आप नॉर्मल हो आप बोलोगे कि नहीं यार आपने रन क्यों किया मेरे बिना पूछे हाँ, हाँ, लोग ऐसा भी हो रहा है हाँ, पॉडकास्ट किसी बंदे के बारे में बात हो गई कि मेरा नाम कैसे ले लिया तो इसके हमेशा मैं, मैं मैं खुद ये बात बोलता हूँ आप क्लाइंट को भी आप जब आपको भी सजेशन दूंगा किसी बात को तो बोलो कि आप बंदे का नाम लो ले पाओ तो लो आपने आप जैसे क्या आप पूछा क्या आप कंफर्टेबल तो आप लो वो बंदा नाम ले लेता है फिर वो बोले जैसे किस पे चैनल पे आप गए थे वो चैनल वाले को पकड़ेंगे फिर चैनल वाले को जो बंदा गेस्ट लेके आया वो किसपे पकड़ेंगे मुझे क्या आप लेके आए थे ना उनको तो कोई फाइनल फाइनल मैसेज मैसेज देना देना चाहोगे? मैं यही था कि मुझे किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बन एक <laughs> कॉर्ड एक <laughs> <laughs> बनाना जरूरी है खुद को हाँ. क्या आप उस गोल पे आप काम करो और हर दिन अपना कोई कॉर्ड दो सीधा एक दिन में करोड़पति नहीं बन सकते आप छोटे छोटे स्टेप्स लो आगे बढ़ो और गलत किसी के साथ मत करो जैसा गलत करो तो वैसा मिलेगा आपको मम्मी पापा की बहुत बहुत बहुत, बहुत रिस्पेक्ट करो पेरेंट्स हैं तो हम लोग हैं ठीक है और यही मेरे

आपने 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 इस चीज, इस इस चीज़ को 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 ना आपने, क्या बोलू मैं उसको सम्मान दिया किया कि सच में इतनी काम की है, तो काफी लोग सीखेंगे मेरा वादा है आपसे जब भी आपको लगे इस पॉडकास्ट में मुझे आना चाहिए मैं पक्का आपके लाऊंगा और थैंक यू सो मच अगर इनवाइट किया मुझे एंगल में चीजों के बारे गे में मालूम पड़ा मुझे काफी अच्छा लगा मैंने इतनी डिटेल कभी बात नहीं करी हाँ कभी नहीं करी कि देखो लोगों को मैं चाहता हूँ को पता चला पहली बार मैंने इतनी बात डिटेल <laughs> अच्छा तो अच्छा है वेरी एक्सक्लूसिव नॉलेज मिली थैंक यू सो मच फॉर गिविंग नेक्स्ट टाइम हम और कुछ अच्छा और करेंगे थैंक यू सो मच भाई